यहाँ दूसरे शहर में रखा करते थे, कुछ इससे पहले कि हम इसे ग्रांट पास में रखें, और वह तब ओरेगॉन में कहीं और ऊपर था। मैं उससे तब वहीं मिला था, और मैं, आप जानते होंगे, यह आपको पुराने दोस्तों से फिर से मिलने के लिए उत्तेजित कर देता है, यह मुझे करता है, और मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ। वह हमेशा आता था, सभाओं में पहुँचता, उससे कहा कि उसे यहाँ कुछ देर पहले आना होगा, और हम चाहते थे कि वो हमसे कुछ कहे। उसने कहा, मैं नहीं आ सकता, ओह, मुझे बस नीचे जाकर और आपसे मिलना था। और मैंने कहा, अच्छा होगा आप आ जाएं। एक और खुशी की बात जो अभी कुछ देर पहले मिली है, जब बिली, मेरा बेटा, उसने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया, और मैं आपको बताता हूँ, यह बहुत ही मीठी चीज थी, जिसे मैंने इसे काफी समय पहले खाया था। यहाँ एक छोटी लड़की थी, और वो अपने छोटे से प्राण में उत्तेजित हो गई, और उसने मेरे लिए एक प्रेम की भेंट भेजी। और यदि फेडरल एजेंटों को लगता है कि मैं इस बात को घुमाऊंगा, तो वे गलत हैं। और यहाँ इस पर छोटा सा कुछ तो लिखा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। वो ऐसा कहती है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं 13 वर्ष की हूँ, मैं आपको इस भेंट को देती हूँ, मैंने इसे बोतले बेच कर लिया है, परमेश्वर आपको हमेशा आशीष दे, 13 सेंट। यह वास्तव में प्यारा था, उसने अपना कोई नाम को नहीं डाला है, लिखा है बस एक छोटी सी लड़की जो प्रभु से प्रेम करती है। आप जो भी हो प्रिय बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। वह है, आप नहीं जानते कि मेरे लिए ये क्या मायने रखता है, यह मेरे लिए बस उतना ही सम्मानजनक है जितना कोई मुझे वहाँ $100 का नोट देता है। मैं सोचता हूँ कि यह महान जिप्सी स्मिथ थे जिन्होंने उनके जीवन की कहानी के कुछ संदर्भ पढ़े। उनसे एक बार पूछा गया था कि उनके पास अब तक की सबसे बड़ी खुशी क्या थी। उसने कहा, तो वे एक रात उसके लिए एक प्रेम भेंट को लेने जा रहे थे, और जैसे ही वो पीछे की सीढ़ियों पर आए, उसने कहा, यहाँ एक छोटी सी फटे पुराने कपड़े पहने जिप्सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने कहा, श्रीमान स्मिथ, कहा, हम एक गरीब परिवार से आए हैं, और कहा, आपने मेरे माता और पिता को प्रभु यीशु की ओर अगुवाई की है। और उसने कहा, मैं जानती थी कि आज रात आपका प्रेम दान था, और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा, और एक महिला ने आज मुझे एक लॉलीपॉप दिया, और मैं इसे भेंट में डालना नहीं चाहती थी, मिस्टर स्मिथ, इसलिए मैंने बस इसे लपेट लिया और सोचा कि मैं अपनी इस भेंट को आपको व्यक्तिगत रूप से दूं, एक लॉलीपॉप छोटा सा चूसने वाला। उसने कहा कि उसने उस गरीब छोटी सी फटेहाल बच्ची को देखा, और क्या हुआ आप जानते हैं, इसका मतलब होता है यह सच्चे हृदय से है। आप जानते हैं, यह बस कुछ ऐसा है जो मीठा और छूने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि वास्तविक जीवन वहीं पर है जब यह हृदय से होता है। मैं वहाँ फिनलैंड में एक सभा में उस क्रम में से होकर कुछ तो सोच सकता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह था, हाँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यह फिनलैंड था, हाँ, यह कोपियो में था। मैंने कुछ समय पहले इसके विषय में नहीं सोचा था। वहाँ एक छोटा सा लड़का मरे हुए में से जी उठा था, जिसे मैंने यहाँ अमेरिका में विदेश जाने से 2 वर्ष पहले एक दर्शन में देखा था। यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में बोलते हुए सुना होगा। मैंने आकर, हाँ, बहुत से हाथ ऊपर उठे हैं कि मैंने कहा, कहीं तो कोई छोटा लड़का होगा जहाँ पर पेड़ है, देवदारू के पेड़ हैं, और यह बड़ी चट्टानें होंगी जो एक साथ किनारे किनारे पर रखी होंगी, और वह छोटा सा लड़का दुर्घटना में मारा जाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। और मैं उस टावर से वहाँ नीचे आ रहा था, मैं बहुत समय पहले गया हूँ, मैं टावर के नाम को याद नहीं कर पा रहा हूँ, यह वहाँ ऊपर था, लगभग 12 वर्ष पहले, यह कोपियो फिनलैंड में था, और हम नीचे आ रहे थे। फिनलैंड में लगभग 6 या 7 वर्ष पुरानी एक उपयोग की हुई फोर्ड कार थी, लगभग $2,500 में बेचने पर होगी, शायद $3,000 में, और गैसोलीन या पेट्रोल 95 सेंट प्रति गैलन है। तो जहाँ कम से कम 25-35 हजार लोग वहाँ पर थे, आप लगभग 2 या 3 गाड़ियों को ही देखेंगे, और वहाँ ऊपर वे एक छोटे से
बर्फ से फिसलने वाली गाड़ी जैसी होती है उसमें सवारी करते हैं, बर्फ में घसीटने वाली गाड़ी की तरह भारतीय प्रयोग करते हैं, सवारी करते हैं और या किया करते थे बर्फ में घसीटने वाली गाड़ी से यात्रा करने के लिए, और उनके पास एक 12 सिंगा होता था जो उन्हें लेकर इस बर्फ की घसीटने वाली गाड़ी को खींचता है और फिर नीचे। मैं पहाड़ी की चोटी पर एक कार में था और नीचे कुओपियो फिनलैंड था। मैं मई महीने के समय के दौरान वहाँ पर था। सूरज उन्हें वहाँ वर्ष में सिर्फ एक दिन मिलता था, केवल एक दिन। 6 महीने सूरज ऊपर होता है, 6 महीने यह नीचे होता है, और ठीक उस समय की बात है जब सूर्य आकाश के घेरे के किनारे पर ही होता था। आधी रात को हम केवल अच्छा और हल्का था जैसा कि यहाँ पर है, आधी रात को एक अखबार पढ़ सकते थे, उसके बाद यह फिर से वापस ऊपर आता है और आप तभी सोने जाते हैं जब आपको नींद आती है। आप लगभग उसी तरह से दिन को पूरा करते हैं जिस समय सूरज ऊपर होता है, और फिर यह एक वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए नीचे होता है, तब यह लैपलैंड में ऊपर होता है। और पहाड़ से नीचे उतरते हुए जहां हम गीत गा रहे थे वहां पर एक नशे में धुत अंग्रेज था। यह नहीं जानता था कि क्या वह इंग्लैंड से एक लकड़ी का खरीदार था, और वह जानना चाहता था कि यह गीत जो गा रहे थे किस विषय में था, और वह मेरे जैसा ही था जिसे अच्छे से नहीं आता था। मैं जब आप फिनिश बोल सकते हैं तो आप बेहतर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास वर्णमाला में लगभग 50 या 60 अक्षर होते हैं, और इसलिए वे बहुत प्यारे लोग होते हैं, कुछ सबसे अच्छे लोग जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला हूँ, और वे बहुत ही प्यारे लोग थे। सो जब मैं वहाँ ऊपर था, यह इंग्लिश व्यक्ति आगे जा रहा था और मैंने उसे बताया कि यह एक धार्मिक सभा थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानता है। उसने कहा नहीं, वह किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वहाँ पर मुझे प्रभु यीशु को देखने का सौभाग्य मिला जिसने उस मनुष्य को सुधि में लिया और उसके प्राण को उद्धार दिया। वहाँ उस कीचड़ में घुटने टेक कर, और वहाँ कूड़ा कटकट था उस यार्ड में जहाँ यह बड़ा टावर है। यह एक पहरा देने वाले टावर की तरह है, एक पुराना प्राचीन पहरा देने वाला टावर, और हम वहाँ ऊपर से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और वे मुझे बताते कि युद्ध के समय के दौरान रूसी किस तरह से आते और शहर पर बमों को गिराते और उस ऊंचे टावर के ऊपर आते, और फिर हम लगभग 2 मील दूर सीधे वहाँ उस रूस में लोहे के तार की सीमा रेखा के सीधे उस ओर देख सकते थे। नीचे आते हुए जब हम इस इंग्लिश व्यक्ति को देखने के बाद प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए, मैं नीचे गया और ऐसे ही ऊंचे टावर के नीचे यहाँ वहाँ टहल रहा था, और भाई जैक मूर मेरे साथ थे, और यह इंग्लिश व्यक्ति जो अभी अभी मसीह के पास आया था, वे सब नीचे आ गए और मुझ पर बहुत ही अजीब सा आ गया। तब उन्होंने इसकी एक तस्वीर ली, मेरे पास यह घर पर है। मैंने कहा याद रखना, कुछ न कुछ घटित होने वाला है, मैं अब इसे महसूस करता हूँ, कुछ तो बात जगह लेने वाली है, मैं नहीं जानता क्या। तो वे पूछने लगे यह क्या होगा। मैंने कहा मैं नहीं जानता, यह बस कुछ तो बात जगह लेने के लिए तय है। पहाड़ी से लगभग 1 मील नीचे हमने देखा कि जहाँ लगभग 5 या 6 वर्ष पुरानी अमेरिकी निर्मित फोर्ड गाड़ी थी, कुछ लोग जो पहाड़ी पर उस ऊंचे टावर पर थे जो नीचे आ गए थे, और कुछ छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल से आ रहे थे, और वे उनके माता पिता वे शहर में रहते हैं, जर्मनी जैसा कुछ तो वे शहर में रहते हैं, और वे गांव में खेती करते हैं, फिर शहर में लौट आते हैं। दो छोटे लड़के, एक लगभग 9 वर्ष की उम्र का और एक लगभग मैं कहूँगा लगभग 6 वर्ष का, वे सड़क को पार कर रहे थे और ये कार तेजी से आ रही थी, और कोई कार नहीं थी, वे मुश्किल से वहाँ वे एक कार के आने की उम्मीद नहीं कर सकते, और छोटे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था, और उन्होंने कार को तेजी से घूमते हुए आते देखा, और एक बच्चा एक ओर जाने लगा और दूसरा दूसरी ओर, और वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। अंत में उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और वह व्यक्ति ड्राइवर हड़बड़ा गया और नहीं समझ पाया कि किस ओर जाए, क्योंकि बच्चे दोनों ओर झटके मार रहे थे, कार ने नियंत्रण खो दिया, और बाईं ओर के कार के बड़गांठ में से एक इसने इस एक छोटे लड़के की आंखों के ठीक बीच में इस तरह से मारा और उसे दूर फेंक दिया, और उस बच्चे को एक पेड़ से जोर से मार दिया और उसके मस्तिष्क को आघात पहुंचाया और उसकी हड्डियां तोड़ दी। और दूसरा बच्चा
ये सीधे उसके ऊपर से चली गई, इस तरह से उसके ऊपर से गई और इसने उसे फेंक दिया जहाँ पिछले पहिए ने उसे मारा, दूर सड़क के उस पार जिस स्थान पर घास था। कार पहाड़ी पर दौड़ती हुई चली गई और बहुत सी चट्टानों में धस गई और पलट गई। हम घटनास्थल पर पहुंचे, वहां एक किसी और का एक गाड़ी जो हमसे पहले वहां पहुंच गई थी और उस छोटे लड़के को ले गई जिसकी सांस चल रही थी, उसे उनके अस्पताल ले गए। और शहर का प्रधान व्यक्ति जो एक शहर के मेयर के बराबर होता है वो वहां पर था, डॉक्टर वहां पहुंच गया था। और लेकिन फिनलैंड में कानून है कि अब वे इस बच्चे को तब तक नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि माता पिता ना आ जाएं। इसलिए वे बच्चे के माता पिता को खोजने के लिए, उन्हें वहां पर लाने के लिए घोड़े पर या गाड़ी पर सारे क्षेत्रों में निकल पड़े। और खैर हम रुक गए, भाई गार्डन लिंड से, भाई हॉल के बहनोई, भाई अर्न बैक्स्टर और भाई जैक मूर साथ थे और बहुत से भाई लोग वहाँ पर थे। और हम रुक गए और श्रीमती सैक्सन, वो आज रात ठीक इस सभा में हो सकती है, वो यहीं कहीं तो बाहर ही रहती है। क्या आप यहाँ हैं बहन सैक्सन? वो मेरी फिनिश की अनुवादक थी। और सो वे उस छोटे लड़के को देखने के लिए कार से बाहर निकले और वापस आए। हमने देखा कि एक दुर्घटना हुई थी। वे वापस आए और उन्होंने कहा, मैंने कहा था क्या था? कहा, ओह बाहर आओ और देखो भाई ब्रैनम, यह छोटा सा लड़का है जो मारा गया है। वे सोचते हैं कि वहाँ एक और भी मारा गया था, वे उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने कहा, ओह मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, मैं तब अपने छोटे लड़के बिली पॉल के बारे में सोचूंगा। वह बस एक छोटा बालक ही था और मैंने उसे महीनों से नहीं देखा था। और यदि आप सब जानते हो कि उसकी माँ मर गई है और मैं उसका माता और पिता दोनों हूँ, और यही कारण है कि हम एक साथ रहा करते हैं। जब वो मर रही थी उसने मुझे बिली को कभी भी छोड़ने के लिए नहीं कहा था और मैं वह तब से लेकर मेरे साथ ही रहता है। और मैं उस छोटे लड़के को नहीं देखना चाहता था। यह बस उस समय वह लगभग बिल्ली की उम्र का रहा होगा, लगभग 9-10 वर्ष का। और आप सभी को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा लड़का कैसा दिखेगा। उसके उस तरह के गोलाकार कटे हुए बाल थे और बुरी आंखें थी और उसे छोटा उन्हें पहनाया गया था जिसे हम अपने समय में छोटे निकर की तरह कहते थे। और फिर उसके लंबे जुराबे और उसके पैर को उसके जुराबे में से होते हुए कुचला गया और उसके वह एक दुर्घटना में मारा गया होगा। खैर मैं नहीं गया। और श्रीमती सैक्सन ने कहा, मैं सोचती हूँ कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए। उस छोटे लड़के को देखने गया, मैं वहाँ पर गया और उन्होंने उसका कोट उसके चेहरे के ऊपर डाल दिया था। जब मैंने देखा कि बेचारा छोटा सा बालक वहाँ पड़ा हुआ है इस तरह से कुचला हुआ, मैं तब रोने लगा। मैं घूमा और किसी चीज ने मुझ पर अपना हाथ रखा। मैंने सोचा कि ये भाई मूर्ख थे और मैंने यहाँ वहाँ देखा और मेरे आसपास कोई नहीं था और वो हाथ अभी भी मेरे कंधे पर रखा हुआ था। तो मैंने कहा, ये अजीब सी बात है। और वो हाथ मुझ पर से हट गया। मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, आप सभी लोग अलौकिक बातों में विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल उसी तरह से। और मैं फिर से आगे बढ़ने लगा और हाथ फिर से मेरे कंधे पर आ गया। मैंने सोचा तो सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, हो सकता है मुझे इस छोटे बालक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मैंने सोचा ठीक है। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने उसके छोटे से चेहरे को ढक दिया था और वहाँ लगभग 300 लोग खड़े हुए थे। और मैं आगे बढ़ने लगा, उस हाथ ने मुझे तब रोक दिया। अच्छा, मैंने कहा, वापस चलने लगा और मैं वापस छोटे लड़के की ओर चल पड़ा और हाथ जो मुझ पर था मुझे छोड़ दिया। अच्छा, मैंने ऐसा दो बार किया और मैंने कहा मुझे फिर से छोटे लड़के को देखना है। और उन्होंने ऊपर उठाया, श्रीमती सैक्सन मेरे लिए बोल रही है मेरा अनुवाद करने के लिए। और उन्होंने उस चीज को ऊपर मेरे लिए उठाया ताकि उसका चेहरा फिर से देखूं। और मैंने देखा, मैंने सोचा यह अजीब सी बात है, ऐसा लगता है कि मैंने उस छोटे लड़के को देखा है। तो डॉक्टर मनीनेन वे हेलसिंकी के सेवका स्तरीय संघ के प्रमुख थे और इसलिए मैं वो मेरे साथ थे। और मैंने कहा, डॉक्टर मनीनेन, क्या वह छोटा लड़का प्रार्थना पंक्ति में आया था? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहा, मैं वहाँ के कुछ स्थानीय पास्टरों से पूछूंगा। और वे वहीं पर खड़े हुए थे। नहीं, उन्होंने उस छोटे लड़के को कभी नहीं देखा था, उसके बारे में नहीं जानते थे। मैंने कहा, ये अजीब बात है, ऐसा लगता है जैसे मैंने छोटे लड़के को देखा है। मैं फिर से चलकर दूर जाने लगा और वह हाथ फिर से मेरे कंधे पर आ गया।
मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने सोचा कुछ है अजी, और मैंने ध्यान दिया, छोटे से गोलाकार कटे हुए बाल, छोटी बुरी आंखें बाहर निकल आई थी, वहाँ पीछे पड़ा हुआ था उसकी जुराब में से होते हुए छोटे से पैर जहाँ पर से या इस तरह से कुचल गए थे। ओह, वह भयानक स्थिति में था। उस कार ने बस उसे इस तरह से लपेटे में ले लिया था और पीछे का पहिया नियंत्रण खो देने के बाद इसने बस उसे उछाल दिया था और वह तब उस एक्सीलेटर पर इस तरह से जम गया था और यह बस पहाड़ी के ऊपर चली गई। उस व्यक्ति को कोई भी चोट नहीं लगी। उन्होंने उसे उस गाड़ी के मलबे से बाहर निकाला और वो अकेला ही था। और फिर मैंने फिर से देखा और मैंने पहाड़ी की ओर देखा और वहाँ पर देवदार के पेड़ थे जो पहाड़ी से नीचे तक आ रहे थे, चट्टान के किनारे। ओ प्रभु, मसीह मित्रों, मुझे आशा है कि किसी दिन यदि यहाँ नहीं तो हम किसी और देश में होंगे, जब वो अनुभूति आपको आती है, जब आप जान जाते हैं, काश मैं हर समय उस अनुभूति को रख पाता। यदि मैं कर सकता, यह कुछ तो है, यह एक प्रेम है, यह एक वास्तविक गहरे प्रेम की तरह है। और मैं यदि शैतान अपने सभी छोटे छोटे शैतानों को सताने के लिए भेजता और ठीक वहीं पर खड़ा होता, ऐसा होगा वो उस अनुभूति को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता था। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया है, यह घटित होने जा रहा है और आप इसे ठीक यहाँ पर अपने सामने रखा हुआ देखते हैं, यह होने जा रहा है। और मैंने कहा, मैं लड़के को जानता हूँ और भाई मूर्न और वे वहाँ पर खड़े थे। मैंने कहा, अपनी बाइबल में देखें, बाइलिंग से पहले कोरे पन्ने पर, आप जानते हैं मैंने आप लोगों से पूछा था जब यहाँ से होकर मैं आया था, तब ये पोर्टलैंड था। आपकी बाइबल के पहले कोरे पन्ने पर लिखने के लिए मैंने बोला था, मैंने इसे ट्रेन में देखा जो फ्लोरिडा जा रही थी और मैंने कहा, मैंने इसे वहाँ पर लिखा, यहोवा यूं कहता है, एक छोटा लड़का वर्णन किया कि वो लड़का कैसा दिखता है जो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। और भाई मूर ने बाइबल के पहले कोरे पन्ने पर देखा और भाई मूर ने कहा, यही वो लड़का है। मैंने कहा, यह वही लड़का है। मैंने कहा, अब, और मैंने सभी लोगों को बताया और श्रीमती साक्सन से कहा, मैंने कहा, अब उन्हें बताओ, अब आदर पूर्वक रहें। मैंने कहा, यदि यह छोटा लड़का जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता अब से 5 मिनट में, तब आप मुझे फिनलैंड से बाहर निकाल सकते हो, तब मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ। देखा, मैंने कहा, छोटा लड़का ठीक अभी मरे हुओं में से जी उठने जा रहा है, लगभग 30 मिनट मर कर हो चुके थे और सो वे पिता और माता की प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, उन्हें कैसा महसूस होगा जब वे आएंगे, अपने छोटे बच्चे को कुचला हुआ और इस तरह सड़क पर पड़ा हुआ देखेंगे। छोटी सी जीप लटक रही थी, उसके मुंह के किनारे उसके कानों से खून बह रहा था और इत्यादि। इसलिए देखे हुए दर्शन के अनुसार मैंने घुटने टेके, छोटे लड़के पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, अमेरिका में 2 वर्ष पहले आपने मुझे इस छोटे बच्चे को जीवन देने की प्रतिज्ञा की थी कि यह फिर से जी उठेगा। अब जब वह दर्शन बोल रहा है तो मृत्यु उसे रोक नहीं सकती। मैंने कहा, मृत्यु यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन को लौटा दे। छोटा लड़का उछल पड़ा और चिल्लाया, आप जानते हैं वह उतना ही सामान्य और ठीक था जितना कि कोई भी बच्चा हो सकता है। अब मेरे पास फिनलैंड के कोपिया शहर के मुख्य व्यक्ति के द्वारा लिखावट में है, आज मेरे अध्ययन कक्ष में रखा है, यह सही है, वहाँ पर लिखावट में हुआ रखा है और फिर दूसरी ओर उसका अनुवाद किया गया था। यह क्या था लिखा था, भाई ब्रनम, हम फिनलैंड में गरीब लोग हैं, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमें केवल चीज जो हमारे पास है वो ये पन्ना है। सो ये यहाँ कॉपियों की किताब है और मेरी ओर से एक टिप्पणी है और उस पर इस प्रकार से उनकी मोहर लगी हुई है जब उसने स्वयं गवाही को लिखा था। कुछ समय पहले यहाँ फिनलैंड से किसी ने मुझे पत्र लिखा, कहा वह झूठ था और वह उस पर एक किताब लिखने जा रहा था, ये झूठ था। और मैंने कहा, ठीक, आगे बढ़कर इस किताब को लिखें, फिर मैं इसके बाद शहर के मेयर की इस गवाही को प्रकाशित करने जा रहा हूँ, तो अब आप बस आगे बढ़ें और जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिखें। क्या हमारे पास कुछ बातों के लिए अब कुछ और समय है? मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। उस रात जब हम फिनलैंड से निकले, वह हम उस स्थान में जा रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन्हें सड़क पर सुरक्षा गार्ड को रखना पड़ा था और मैं कमरे में जा रहा था। व
वहाँ मैं साथ साथ चल रहा था। मेरे आसपास लगभग 6 या 7 सैनिक थे। वे बेचारे छोटे फिंस के पास अभी तक दाढ़ी बनाने की उम्र भी नहीं हुई है। अन्य सभी व्यस्क पुरुषों को लगभग रूसी लोगों के द्वारा मार डाला गया था और सो वे मुझे अंदर ले जा रहे थे। और जब आप रूस में जन्म लेते हैं, यदि आप अपने जन्म स्थान से 40 मील दूर होते हैं तो आपके पास वीजा होना चाहिए, लेकिन किसी को कभी यह नहीं बताते हैं कि रूस में कोई मसीह नहीं है, वहाँ उनमें से लाखों हैं। और वे रूसी सैनिक लोग थे, वे हमारे जैसे इन चीजों को प्रसारित नहीं कर सकते, रॉक एंड रोल और उन सारी चीजों को वहाँ पर रेडियो पर सिवाय व्यवसाय के और व्यापारिक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और यहाँ ये सारे रूस में प्रसारित हो गया। मैं ज्यादा समय नहीं हुआ, बैरन वॉन ब्लोमबर्ग ने मुझे बताया एक छोटे से बच्चे को जिसे वे कटीले तारों की सीमा के पीछे से लाए थे, कहा, मैं अचंभित हूँ भाई ब्रैनम कि अमेरिका में आपकी सेवकाई के बारे में इतना बेहतर कोई नहीं जानता कि यह क्या है, जितना यहाँ से रूस में इसे बेहतर जाना जाता है, जहाँ यह इन लोहे की कटीले तारों की सीमा के पीछे था। कहा, हम सब ने रेडियो पर सुना है उस छोटे लड़के को वहाँ पर मुर्दों में से जिलाया गया था, और अब यह सड़क पर वे रूसी सैनिक खड़े हुए मेरे वहाँ से गुजरने पर उन्होंने उस रूसी सलामी को दिया, और वे कहते, और अनुवादक मुझे बता रहा था जब वे वहाँ से जा रहे थे, कहा, उन्होंने कहा, हम इस तरह के एक परमेश्वर को ग्रहण करना चाहेंगे निश्चित रूप से। देखा, ये क्या है? यह साम्यवाद के द्वारा ऊपर लाई गई कलीसिया की कमजोरी है। यह उस तरह के अंडे से उत्पन्न हुए हैं। यदि कलीसिया उस देश का सारा धन ले लेती है और लाखों डॉलर की सोने की वेदियां बनाती है और लोग सड़क पर भूखे मर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसी चीजें क्यों सामने आती हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य को परमेश्वर की सच्ची चीज को देखने दो, यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कुछ है तो वह उस पर विश्वास करेगा। तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने कहा, हम इस तरह के परमेश्वर को स्वीकार करेंगे जो मुर्दों को जिला सकता है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जबकि इस विषय पर हूँ, मैं इसे बता सकता हूँ, मैंने रूसी सैनिकों को फिंस लोगों को उनकी कमर से पकड़ते हुए देखा है वहाँ इमारत के अंदर, और एक दूसरे को गले लगाते और थपथपाते हैं जैसे स्कैंडिनेवियाई के लोग करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और थपथपाते हैं। जो कुछ भी एक रूसी को एक फिंस लोगों के चारों ओर अपने हाथ डालेगा और एक रूसी के चारों ओर एक फिंस जो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हमें संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, यही है जिसकी संसार को आवश्यकता है, समझे। मैं उस रात को जा रहा था, वहाँ एक छोटी बच्ची बाहर आई, आपने कहानी को पढ़ा है, आप भाई गॉर्डन ने इसे विस्तार से कभी नहीं लिखा, उन्होंने इसे ऐसे ही बताया था। वह महिला शास्त्रावास से बाहर आई थी जैसे कि ये होते थे, और जब हमने इस ओर चलना आरंभ किया और वह सैनिक और वह छोटी लड़की जब वह बाहर निकली, उसका एक पैर दूसरे पैर की तुलना में बहुत छोटा था, और फिर उसके चारों ओर एक बड़ी बेल्ट बंधी हुई थी और एक हाथ का बना हुआ सहारा जो पट्टी जो इस तरह से नीचे की ओर थी, और उसके पास दो बैसाखियां थी, उसके पैर के अंगूठे के अंत से लेकर उसके ऊपर कंधे पर एक पट्टा था और पीछे इस बेल्ट के पीछे यहाँ अटकाया हुआ था, और जब उसने चलना आरंभ किया तो उसने अपने सहारे या पट्टियों को बाहर निकाला, मेरा मतलब बैसाखियों को बाहर निकाला, फिर उसके छोटे कंधों को लेकर और उस छोटे पैर को ऊपर उठाया और उसे इस तरह से व्यवस्थित किया, तब उसके कदम को बढ़ाया, और तो उसने मुझे देखा और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी। आप जानते हैं मुझे बच्चे पसंद हैं, और मैं उस फिनिश के पैसों के साथ रास्ते पर जाकर और बहुत सारी टॉफियों को खरीदता, आप जानते हैं, और भाई मैं इसे बच्चों को बांट देता। मेरे यहाँ से कुछ दूरी पर दो शहर के ब्लॉक की दूरी वे हर जगह मेरे पीछे आते हैं क्योंकि मुझे बच्चे पसंद हैं। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अपना छोटा सिर इस तरह झुका दिया, वो डर रही थी कि उसने कुछ गलत किया है, और मैंने उस बच्ची की ओर देखा और मैं आगे चलने लगा, और किसी ने कहा, उस बच्ची से बात करो, वह तुमसे बात करना चाहती है। मैं रुक गया, और सिपाही लोग वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, इसलिए वे बोलते जा रहे थे, मैं उन्हें गाते हुए सुन सकता था, केवल विश्वास करो, और इसलिए मैंने उसमें शुरुआत की। तब वे सैनिक वहीं पर खड़े हुए थे और मैंने कहा, यहाँ बस एक मिनट सुनना,
उन अन्य सैनिकों ने पीछे की ओर देखा और मैंने कहा एक मिनट रुकिए, देखा और सो वह छोटी लड़की, मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा यहाँ इधर आओ प्रिय। वह समझ नहीं पाई, वह लगभग 9-10 वर्ष की लग रही थी और मैंने कहा यहाँ इधर आओ प्रिय, और उसने अपना छोटा सिर नीचे झुका दिया। निश्चित रूप से वह समझ नहीं पाई कि मैं क्या कह रहा था, और मैंने उसने फिर से मेरी ओर देखा और अपने छोटे से सिर को तुरंत ही नीचे कर लिया जैसे बच्चे करते हैं, और मैंने उसे इस तरह से इशारा किया यहाँ आओ, और उसने अपनी बैसाखियाँ एक तरफ रखी और उस पैर को ऊपर उठाया और वो यहाँ आ गई, और मैं तब ऐसे ही खड़ा रहा और सैनिक वहीं खड़े होकर देखते रहे कि क्या हो रहा है। वह सीधे मेरे नजदीक आने लगी जहाँ मैं था, इस तरह से वह तब रुक गई, अपना छोटा सा सिर नीचे किया और उसकी छोटी सी फटी हुई स्कर्ट नीचे लटक रही थी, उसके छोटे छोटे बाल उसके चेहरे पर थे। मुझे बाद में पता चला कि वह छोटी लड़की फिनिश युद्ध में अनाथ हो गई थी, उसके माता और पिता मारे गए थे, वह एक टेंट में रह रही थी, और मैंने देखा और उसने मुझे इस तरह से देखा, उसने मेरी ओर देखा और उसकी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे, उसके चेहरे पर से इस तरह गिर रहे थे। वह मेरे पास पहुंची और मेरे कोट को पकड़ लिया और बस मेरे कोट की जेब पर मुझे चूमा, फिर उसने अपनी छोटी स्कर्ट को एक ओर इस तरह से खींचा, उस छोटी फटी हुई स्कर्ट को, उसने कहा किटोस, इसका मतलब आपका धन्यवाद। मेरा हृदय मुंह में आ गया, आप समझते होंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं, वह छोटी बच्ची, और मैंने उस ओर वहाँ देखा और मैंने देखा कि वो वहाँ पर बिना किसी बैसाखी या सहारे के खड़ी थी, बस परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि यदि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी रहा होता, परमेश्वर ने उस बच्ची के विश्वास का सम्मान किया होगा, वह अवश्य ही करेगा, उसने इसका सम्मान किया होगा। और मैंने कहा हृदय प्रिय, ओह मैं तुम्हें किस तरह बता सकता हूँ, मैंने कहा तुम चंगी हो गई हो प्रिय, परमेश्वर ने तुम्हें ठीक कर दिया है यीशु, उसने कहा किटोस जीसस, ये है धन्यवाद यीशु। मैंने कहा तुम्हें करता, मैं दूसरे शब्दों को नहीं समझ सकता था, आप देखते हैं, मैंने कहा तुम्हें चंगा करता है किटोस यीशु, जो तुम्हें चंगा करता है, वह इसे नहीं समझ सकी। और फिर वे यहाँ दरवाजे पर भाई बैक्स्टर आते हैं और कहा आ जाओ आ जाओ, और मैंने सोचा खैर परमेश्वर उसे कभी न कभी बताएगा, तो मैं बस अंदर चला गया, वो ठीक हो जाएगी। तो मैं अंदर चला गया और हमारे पास एक बड़ी प्रार्थना की पंक्ति थी, आपने इसे देखा, उनकी किताब में तस्वीर थी जहाँ बैसाखियों और चीजों के बड़े बड़े ढेर लगे थे, बस ये मेरे पास ही इस तरह से जमा हो रहे थे। बस जैसे ही उस रात क्या हुआ था, वहाँ मंच पर लगभग 8 या 10 लोग आते थे और फिर वहाँ एक तरह की लैपलैंड की महिला वहाँ पीछे बैठी हुई थी, उसके पास एक तिरछी आंखों वाला बालक था, उसने इसे फर्श पर लिटा दिया था, पवित्र आत्मा चारों ओर मंडराने लगा और मैं उसे नहीं देख पाया। मैंने सोचा प्रभु मैं इस नाम को नहीं कह सकता, मुझे इसका उच्चारण करने दीजिए, और मैं उसका नाम उच्चारण करने लगा, उससे बताया कि वो कौन थी, उसके बारे में सब कुछ बताया कि क्या है इस तरह से और उसके बालक के साथ क्या गलत है, इसे उठाओ और इसे देखो, इसने कहा अब इसका उच्चारण करते हुए कि वह एक, और उसने इसे कैसे समझा मुझे नहीं पता, उसने उस बच्ची को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे देखा और उसकी आंखें उतनी ही सीधी या सही थी जितनी वे हो सकती थी, वो चाहती थी, उसे बस एक दौरा आया था, वो बस उस मंजिल के ऊपर और नीचे चिल्ला रही थी जहाँ पर हजारों लोग थे। और फिर हार्वर्ड जैसा कि बिल्ली अब करता है, मेरे भाई जब उसने मुझे बगल में छुआ, मैं तब उन दर्शन के तहत लगभग बेसुधी की अवस्था में था, उसने मुझे इस तरह से छुआ, कहा जाने का समय, और मैं वहाँ से जाने लगा, कुछ कहा एक मिनट रुको, कुछ और को बुलाओ, और मैंने कहा बस एक मिनट हार्वर्ड, मैंने कहा मुझे अभी मत लेकर जाओ, उसने कहा क्यों, मैंने कहा मुझे 5 और लोगों को बुलाने दो, मैंने श्रीमती इसाकसन से कहा, मैंने कहा फिनिश भाषा में बुलाएं, वो आपको किन नंबरों को बुलाना है, और उसने अगले को बुलाया और परमेश्वर के अनुग्रह से कमरे से बाहर वो छोटी लड़की प्रार्थना कार्ड के साथ अगली थी। परमेश्वर किस तरह से अपनी प्रधानता में होता है। मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन में कभी देखी है वो है अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना और आत्मा में चलना। देखो दिन प्रतिदिन
वो आपकी अगुवाई किस तरह से करेगा और कामों को करेगा। और जब मैंने इस छोटी लड़की को आते देखा तो मैंने सोचा परमेश्वर की स्तुति हो, उन्होंने उसे मंच पर लाया, उसकी सहायता की और दो या तीन लोग उसे मेरे पास लेकर आए, उसे उठाकर और उसे नीचे बिठा दिया। मैंने कहा अब श्रीमती सैक्सन इसे देखें। मैंने कहा अब आप सिर्फ वही शब्द कहें जो मैं कहता हूं। और उसने कहा मैं करूंगी। मैंने कहा हृदय प्रिय, यीशु मसीह ने तुम्हारे विश्वास को वहां बाहर सम्मान किया जब तुमने कुछ समय पहले मेरी जेब को चूमा। तुम उन चीजों को सम्मान दे रही थी जिन्हें तुमने सोचा ये परमेश्वर की ओर से थी। मैंने कहा था परमेश्वर ने तुम्हें चंगा किया है, अब तुम वहाँ जाकर और बैठ जाओ और सेवकों में से कोई लोग या कोई तो उन बैसाखियों को तुमसे ले लेगा। और तुमने इस तरह से अपने कमर पर अपना हाथ पकड़ के रखा है और उसकी हिम्मत को बढ़ाए रखने के लिए कुछ बताने लगा, आप समझते होंगे। तो मैंने कहा जब तुम आई, जब तुम्हारे सहारे या उस पट्टी को हटाते हैं और तुम्हारे पैर के नीचे से बड़े लोहे के हुक को जब वे इसे निकालते हैं, तुम अपने हाथ को अपने अंग से नीचे जाने देना जहाँ तक तुम्हें लगता है कि वह सहारा या पट्टी है तुम्हारे पैर का जो छोटापन है। और सो मैंने कहा अब अगले व्यक्ति को लाओ, और उन्होंने अगले व्यक्ति को लाया। सेवक लोग उस लड़की को वहाँ पर ले गए। श्रीमती इसाकसन ने इसका अनुवाद किया और वे उसे वहाँ ले गए और उस चीज को खोलना आरंभ किया। तो पहली चीज जो आप जानते हैं, मैंने उसकी चीख सुनी। यहाँ वो मंच पर आती है, दोनों पैर उतने ही सामान्य होते हैं जितने वे हो सकते हैं। वे बैसाखिया उसके सिर के ऊपर लिए हुए थी, चिल्ला रही थी और आगे बढ़ रही थी। ओह परमेश्वर, यह सिर्फ एक चीज के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता चला गया। मैं उस रात घर पर गया, वहाँ नीचे की ओर देखा, उन फिंस के लोगों को वहाँ चलते हुए देखा, उनके हाथों को हवा में ऊपर उठाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। यही है जब दूत दूसरे छोटे लड़के को दिखाई दिया। आपने इसकी कहानी को उस किताब में पढ़ा है और किस तरह से वह छोटा लड़का जो वहाँ पड़ा हुआ मर रहा था, डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था, वो अगली शाम को बिल्कुल तभी चंगा हो गया जब पवित्र आत्मा ने कहा कि वह चंगा हो जाएगा, और वह चला गया और सामान्य रूप से ठीक था। आज जीवित है, अभी भी उनसे पत्र मिल रहे हैं कि प्रभु ने उन्हें चंगा किया, वो अभी भी यीशु मसीह है। यह प्यारा है। धन्यवाद मेरी छोटी बहन इस दशमांश के लिए। एक सेवक के रूप में मुझे दशमांश को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से धन्यवाद देता हूँ मेरी छोटी मित्र। और होने पाए परमेश्वर आपको हमेशा आशीष देता रहे। और तुम अपनी माँ को यह बोलने मत देना कि तुम मोटी हो, तुम मोटी नहीं हो। देखा तो ठीक है, उसने यहाँ कहा, मैंने इसे नहीं पढ़ा। उसने कहा माँ का कहना है कि मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं नहीं सोचता कि तुम मोटी भी हो। सो यदि तुम हो तो परमेश्वर तुम्हारे अपने हृदय की इच्छा को पूरा करे। प्रिय, ये मेरी प्रार्थना है, यदि यह तुम्हारे प्रति परमेश्वर के लिए कुछ भी मायने रखता है। अब आज रात मैं एक अनुभव देने जा रहा था जो घटित हुआ था, और सबसे पहले मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। अब कल दोपहर सभा कितने बजे शुरू होगी भाई? 2:30 बजे। अब कल 1:30 बजे वे सब जो आना चाहते हैं प्रार्थना करवाने के लिए प्रार्थना पंक्ति में आ जाएं। हम प्रार्थना कार्ड को देंगे, पूरे झुंड को लाएंगे, जैसा कि हमने कल रात किया था। मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से मेरी सेवकाई शुरू होगी और कल रात से और आगे बढ़ेंगे। आप सभी जो प्रार्थना कार्ड को चाहते हैं कल दोपहर 1:30 बजे आ जाएं। उसके बाद में नहीं, 2 या 2:15 के बाद देरी से यहाँ न आए, क्योंकि सभी कार्ड हो सकता है उस समय तक दे दिए जाएंगे और इससे बाकी की सभा में रुकावट नहीं आएगी। अब यदि कुछ संदेश हैं, जब मैं प्रचार कर रहा था, यदि आप उन्हें लेने की इच्छा करते हैं तो भाइयों ने उन्हें यहाँ लाया है, भाई गोवार्ड और भाई मर्सियर। वे कहाँ हैं जीन? इमारत के पीछे स्टैंड पर हैं। उनके पास रिकॉर्ड और टेप है। ये वे भाई लोग हैं, वे उन्हें देखते हैं और वे उन्हें इसे आपके लेने पर खुशी होगी। और मैंने इसे उनकी बिक्री और आदि में ढूंढा है। मैंने आपको उस बात को बताया था कि कैसे लड़के कल रात मेरे साथ जुड़ गए, और मैंने कुछ समय पहले एक सेवक को टेप लेने के लिए भेजा था। उसने इसके लिए मुझसे $9 लिए, और मैंने इन लड़कों से पता किया और मैं सोचता हूँ ये लगभग $2.50 या ऐसे ही कुछ है। उन्हें एक टेप से लगभग 35, 40, शायद 50 सेंट बचता है। सबसे अच्छा टेप खरीदते हैं, स्कॉच टेप, और सबसे अच्छा बनाते हैं। अगर वे उनकी एक बड़ी कीमत लगाते हैं तो मैं उन्हें ठीक अभी बता दूंगा। अब टेप की बिक्री नहीं करना,
नहीं श्रीमान। अब उनके पास उनका प्रबंधक करने के लिए कुछ होना चाहिए क्योंकि वे बहुत सारे टेप तोड़ते हैं और इत्यादि, और तब उन्हें गुजारा करना है। उनमें से एक विवाहित व्यक्ति है और इसलिए हम उन्हें गुजारा करना है और उनका हक है कि उनमें से थोड़ा सा पैसा मिले। और फिर कभी कभी वे उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते और तोड़ देते हैं और उन्हें बाहर भेजते हैं और उनके लिए भुगतान नहीं मिलता है। और आप जानते हैं कि यह किस तरह से होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी किताब वहाँ होती है। मैं वॉइस ऑफ हीलिंग से 40% कम पर उन्हें खरीदता हूँ और इसके बाद जब हमें उन्हें बेचने के लिए भुगतान करना पड़ता है और देखरेख करने का शुल्क। और मैंने हमेशा कहा है यदि किसी को किताब चाहिए लड़कों को किसी भी समय ऑर्डर करें। यदि किसी को किताब चाहिए और एक बेचारा बूढ़ा चलकर जाता है और अपनी जेब में हाथ डालता है, वे कितने के हैं? ठीक है वे 75 सेंट है या वे जो भी हैं डॉलर या जो कुछ भी उनकी कीमत है। और उसने कहा वो उसके पास 60 सेंट ही है। उसे कहो पिता किताब को लेकर और आप जा सकते हैं, पैसे के विषय में बात न करें, समझे? उसे लेकर जाने दें। इसी तरह से यहाँ तक किताबें भी अपनी सहायता नहीं करती। कलीसिया को किताबों के मामले में मेरी मदद करनी होगी। हम समय पर हम उनके लिए भुगतान करते हैं और छपाई के लिए और अवशेष और काटना छाटना और जो कुछ भी उन पर लगता है और जो भी हमें देना है और इत्यादि। क्यों वे नहीं स्वयं की सहायता नहीं करते और तो इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम पैसा कमा सकें। हम जो कुछ भी करते हैं और मेरा खुद का मेरा प्रेम दान मिशन के क्षेत्रों में जाता है। मैं इसे नहीं देखता यह एक अच्छी चीज के लिए जाता है। मुझे अपने कलीसिया से एक सप्ताह में $100 मिलते हैं, चाहे वह अमेरिका में हो, अमेरिका से बाहर हो, चाहे ये कहीं भी हो। मुझे वर्ष में $5200 मिलते हैं। मैं इसी पर गुजारा करता हूँ और हमें नजदीक रहना है बड़े परिवार के साथ जैसा मेरे पास है। और मुझे कलीसिया पास्टर के निवास स्थान में रहना है और हम यहाँ पैसे के लिए कभी नहीं आते। यह हमारा इरादा नहीं होता है। एकमात्र कारण हम किताबों को खरीदते और उन्हें फिर से बेच देते हैं और टेपों और उन्हें बेचते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह यीशु मसीह के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। इसमें बिल्कुल भी पैसा कमाने की बात नहीं है। लेकिन मैं सबत के दिन किताबों को या टेपो या किसी और चीज को बेचने की अनुमति नहीं दूंगा जो कि कल है। हम उन्हें रविवार को नहीं बेचेंगे। हमने इसे कभी नहीं किया है और हम ऐसा करने का कभी इरादा नहीं रखते हैं। और इसलिए यदि आप कुछ किताबें कुछ टेप या रिकॉर्ड को लेना चाहते हैं तो वे आज रात भवन के पीछे मिलेंगे। और यदि आप इसे लेते हैं और आप नहीं सोचते हैं, यदि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो यह फिर भी आपका है। आप इसे लेते हैं, इसकी कीमत 50 सेंट की नहीं है, या आपने इसके लिए जो कुछ भी भुगतान किया है उसे सीधे वापस भेज दें या फेंक दो और हमें बताएं, या इसे किसी और को दे दो। इसे किसी और को दे दो और हमें भेजकर बताएं कि यह इसके लायक नहीं थी। पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई भी खर्च, ऐसा कुछ भी, यह कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्रेमदान बाहरी कार्य क्षेत्र के लिए होता है। मैं इसे अपने आप के लिए नहीं लेता, इसे मेरे कार्य क्षेत्र के सचिव द्वारा लिया जाता है, सेवकों के द्वारा संचित किया गया, उसे दिया जाता है, बैंक में जमा किया जाता है। और जब मैं विदेश और आदि में जाता हूँ तो यह छुटकारे का उसी संदेश लाने के लिए विदेशी कार्य क्षेत्रों में मेरी सहायता के लिए होता है, उन लोगों के लिए जो यह भी नहीं जानते कि कौन सा दायां और बायां हाथ है। यही है जहाँ इसे उपयोग किया जाता है। मुझे यहाँ तक कभी ये भी पता नहीं होता कि प्रेम दान कितना है जब तक कोई मुझे नहीं बताता। जब मैं घर पहुँचता हूँ, मुझे गए एक महीना हो जाएगा तो मुझे $400 मिलते हैं। जब मैं घर वापस आऊँगा अपने कर्ज और चीजों का भुगतान करने के लिए। अब हम इसी तरह से गुजारा करते हैं ताकि आप समझ सकें कि हमारे पास कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, हम पैसे के लिए नहीं हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जो है, मैं इसे वास्तविक रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। अब आज रात मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ, यदि मुझे इसे ऐसा कहना चाहिए जिसमें से कुछ क्षणों के लिए बोलना है। इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं बस कुछ क्षण प्रार्थना के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको हमारे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैंने आपको मेरी छोटी छोटी सभाओं में किस तरह से अनुभव करते देखा है। उन महान पुरुषों की तो बात ही छोड़िए जो कार्य क्षेत्र में होते हैं, जैसे हमारे भाई
रॉबर्ट्स और टॉमी ऑसबोर्न और वे लोग, मैंने आपको मेरी खुद की सभाओं में बहुत कुछ करते हुए देखा है कि बहुत सी महान चीजों की बाइबल को लिख डालूं, मरे हुओं को जीवित करने की, डॉक्टरों को इसके लिए एक बयान पर हस्ताक्षर करने दें, अंधे बहरे गूंगे को चंगा करना, भविष्यवाणी करना, बताना कि वास्तव में क्या है, इसे हर बार बिल्कुल सही होते हुए देखते हैं। आप परमेश्वर हैं और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं। कृपा पिता, यदि आज रात हमारे बीच में कोई है जो विश्वास नहीं करता है, होने पाए कि आज रात कुछ किया जाए या कहा जाए जो उस पुरुष या स्त्री के लिए कारण बने कि उनके अविश्वास को समर्पित कर दें और इसे परमेश्वर से पवित्र आत्मा से विश्वास की एक वास्तविक साहसी आत्मा के लिए विनिमय करें। इसे प्रदान करो प्रभु, आप उनकी बुराई को दूर करने और उन्हें अच्छाई देने के लिए तैयार हैं। ओह, आप कितने भले हैं पिता, हम आपको इसके लिए प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर जगह अपने सेवकों को प्रेरित करें, वे इस अंधेरी घड़ी में जलती हुई मशाल बन जाएं जिसमें हम रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि संभव हो तो कहलाने वाला शिष्ट समाज परमेश्वर के प्रकाश को बुझा देता है, लेकिन फिर भी यीशु के आने तक वो मशाल लोगों के हृदय में जलती रहेगी। पिता, आज रात इस स्थान के पदों में और जोड़े हम प्रार्थना करते हैं, सभी बीमार लोगों को चंगा करें जो पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह और दया उन पर बनी रहे, आने वाले संसार में उन्हें अनंत जीवन देना और इस संसार में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना, क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, मैं सभी चीजों से ऊपर रहूंगा कि तू भला चंगा रहे। पूरी घाटी में और हर जगह कलीसियाओं को प्रेरित करें जो प्रतिनिधित्व किया गया है इस महान पवित्र आत्मा की बेदारी में जो दुनिया में फैल गई है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इसे फिर से एक शानदार तरीके से जागृत करेंगे, इसे ओरेगॉन में फिर से आरंभ होने दे, हर एक कलीसिया में एक महान बेदारी हो। कल सबत के दिन होने पाए कलीसिया भर जाएं, होने पाए सेवकों में आग हो, प्राण अंदर लाया जाए, होने पाए बहुत से लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए आए और पानी के बपतिस्मे की आवश्यकता पड़े, इसे प्रदान करें पिता, और होने पाए आप हरेक को पवित्र आत्मा से भर दें, ये आपके निर्देश का पालन करें जैसा कि हमने इसे उस रात को सिखाया था। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उन्हें जानने देंगे कि प्रतिज्ञा हरेक पीढ़ी के लिए है, और जो कोई चाहे जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा, यही है जो आपके निर्देश ने कहा है। हम इसके हर वचन पर विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप हर एक को यह प्रदान करेंगे, हमारे पाप के लिए हमें क्षमा करें, सभा को अपने हाथों में लीजिए और अपनी महिमा को पाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब मैं संत मत्ती के चौथे अध्याय और 17वें पद में से केवल एक पद को पढ़ना चाहता हूँ। और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि राज्य पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब मैं विषय को लेना चाहता हूँ, वे तीन पहले शब्द, उस समय से। अब यहाँ वो सब कुछ है जो फलाना फलाना समय को वापस बता सकता है। उस समय से हम कहते हैं जैसे वो छोटा सा लड़का, छोटी सी लड़की, हम कह सकते हैं कि हम किसी एक काम को कर रहे थे और ऐसी एक चीज घटित हुई, और हमारे लिए उस समय से चीजें बदल गई, और हम आज रात यहाँ शहर में जा सकते हैं और आपके प्यारे छोटे शहर की सड़कों पर चलने वाली सबसे गिरी हुई और अनैतिक महिला को यहाँ घाटी में देखेंगे, और मैं उसके पास बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा, महिला, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी कहानी को बताएं, और वह बोलना आरंभ करेगी, वह ऐसा कुछ तो कह सकती है, भाई ब्रैनम, एक दिन था जब मैं एक लिली की तरह शुद्ध थी और मैं प्रसिद्ध दर्जे के लोगों के बीच अपना सिर उठा सकती थी, और मैं कलीसिया जा सकती थी और अच्छा महसूस कर सकती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक रात मैं किसी एक लड़के के साथ बाहर गई और उसने मुझे उस कोक में ड्रग मिला कर दिया, और उस समय से, या हो सकता है कि कोई और लड़की मित्र हो
जो एक विश्वासी नहीं थी, जो उसके साथ में थी और उसे एक प्रकार के नृत्य के लिए राजी कर लिया और वह किसी लड़के की बाहों में आ गई। और उस समय से यह हमेशा ही एक समय से अंकन कर रहा है। या हो सकता है कि मैं आज रात यहाँ आपके शहर में जाऊं और आपके पास सबसे गंदे शराबी को ढूंढूं और मैं उस मनुष्य के पास बैठकर जो जवान या बूढ़ा होगा और मैं उससे कहता, मित्र मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप अपना जीवन इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या बात आपको पीने को लगाती है और इस तरह से करने को जो आप करते हैं, जबकि आप यहाँ शहर में एक महान कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप किसी कलीसिया के कार्यकर्ता हो सकते हैं, या आप किसी स्त्री के सच्चे एक पति बन सकते हैं, कुछ बच्चों के पिता हो सकते हैं, या कोई शराबी महिला जो कुछ बच्चों की एक सच्ची माँ बन सकती है, किसी पति के लिए एक प्यारी प्रिय पत्नी बन सकती है। और वे इस तरह बताना शुरू करेंगे और कहेंगे, ठीक है, तब से मैं एक समय एक शराब विरोधी था, मेरी एक प्यारी माँ और पिता थे जिन्होंने शराब पीने के विरुद्ध सिखाया, और मैं एक बार किसी एक लड़के के साथ संगति में चला गया जो लड़कियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय था और मैं भी लोकप्रिय होना चाहता था, इसलिए मैंने उसके श्रेणी में शामिल होने के बारे में सोचा और मैं अपने माता और पिता की शिक्षा के विरुद्ध चला गया और उसने मुझे राजी कर लिया। आज की रात क्या तुम अच्छा समय बिताना चाहते हो? तो आप अपने भीतर कुछ आत्माओं को लाना चाहते हो? और मैंने अपने पहले शराब के प्याले को लिया और उसी समय से यह इसी तरह से शुरू होता है। यहाँ कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में डॉक्टर बर्ग, वो अब न्यूयॉर्क शहर में सिस्टर ब्राउन टैबरनेकल बेथानी टैबरनेकल में एक पास्टर हैं। पुराने पेंटिकॉस्टल स्थापनाओं में से एक, दुनिया में सबसे पुराने में से एक, मुझे लगता है कि हमारे भाई उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और वहाँ जब मैं वहाँ पर था, मैं सोफिया से मिला, वो कपड़े धोने वाली महिला, वो स्वीडिश की महिला जिसने जाकर और उसके साथ बोवेरी में काम किया। पीलिया के टीके को लेने के लिए मुझे दो दिन तक रहना पड़ा था। मैंने सोचा कि मैं इसे बिना लगाए अफ्रीका पहुंच जाऊंगा, लेकिन वे मुझे वहां से होकर जाने भी नहीं देंगे या हवाई जहाज में नहीं चढ़ने देंगे और मुझे पीलिया के टीके लेने के लिए नेवी यार्ड जाने के लिए दो दिन रुकना था। और भाई बर्ग ने कहा, आप क्या करना चाहेंगे? मैंने कहा था, मुझे बोवेरी का दौरा करने जाना है। कहा, तो ठीक है, हम वहाँ पर जाएंगे। कहा, मेरे वहाँ पर बहुत से मिशन हैं। और हम वहाँ नीचे गए और यदि मैं सोचता हूँ कि किसी भी मनुष्य के लिए यह अच्छी बात होगी कि वो अपने बेटे को बोवेरी में ले जाए और उसे देखने दे। मैं सोचता हूँ कि यदि आप कभी भी फ्रांस में थे तो अपनी बेटी को पिगाले ले जाएं, उसे देखने दो कि मनुष्य का जीवन कितना घिरा हुआ हो सकता है। इसलिए जब मैं वहाँ गया बोवेरी के पास, यहाँ असहाय मनुष्य पड़े हुए थे, उल्टी से भरे उनके मुंह, मक्खियाँ भिनभिना रही थी और ओह नशे की लत वाले शराबी लोग। और मैंने कहा, ओह भाई बर्ग, मैंने कहा शायद इन लोगों को यहाँ घरों में ऐसा पाला पोसा गया था कि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि वे क्या करते हैं, उन्हें सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चकित हो जाएंगे। उसने कहा, ठीक, यहाँ जिस मिशन पर हम जा रहे हैं वहाँ से पिछले वर्ष वहाँ मर चुके 180 लोगों को हमने बाहर निकाला, उन्हें सड़कों पर उठाया गया, उन्हें खिलाया गया और वे अंत में मर गए। मसीह के बाहर उनके लिए कोई आशा नहीं है और फिर इलाज, वे उसके लिए बहुत दूर हैं। उसने कहा, यहाँ या यहाँ जो मनुष्य है, कहा, उसे पहचानता हूँ, उसे खड़ा करो। और मैं उसके पास गया और मैंने कहा, महाशय, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उसने कहा, तो हो सकता है कि वो बोलने में असमर्थ है। ओह, मैं बस यह नहीं बता सकता कि वो मनुष्य किस स्थिति में था। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां कमर से नीचे तक उसके कपड़े बहुत ही बेकार स्थिति में थे, पूरी तरह से गीले थे और वो बस एक भयानक दशा में था, दुर्गंध आ रही थी। और मैंने कहा, महाशय, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? और भाई बर्ग ने उसे हिलाया, मैं वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं भाई बर्ग हूँ। खैर, वो भाई बर्ग के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह अभी भी
नशे में था और मैंने कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा आप किस प्रकार के घर में पले बड़े थे? उसने कहा क्या आप मुझे पीने के लिए इतना पैसा देंगे? और मैंने कहा मैं सुसमाचार का सेवक हूँ, मैं प्रभु के धन को किसी मनुष्य को शराब पीने के लिए नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं मेरे पास जो पैसा है वह परमेश्वर के बच्चों से आता है और इसे परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किया जाना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं आपके लिए एक सैंडविच को खरीदूंगा, मैं आपके लिए आपके रात्रि का भोजन खरीदूंगा, या क्या आप मेरे साथ जाओगे? लेकिन मैं एक सेवक के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा। उसने कहा क्षमा करे आदरणीय। और मैंने कहा अच्छा, आप कभी इस दशा में किस तरह से आए? उसने कहा महोदय मुझे संदेह है कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करेंगे या नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा मैं आपको एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में लेता हूँ, मैं आपकी कहानी पर विश्वास करूँगा, आप मुझे बताओ, मुझे अपने हृदय से बताओ। और उसने कहा महोदय, उसने कहा मेरा पालन पोषण एक मसीही घर में हुआ था। और मैंने कहा और उसके बाद इसमें गिर गए? उसने कहा जी हाँ श्रीमान। कहा मेरा सबसे प्यारा परिवार था, 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की और सबसे प्यारी पत्नी जो सदैव रही थी, और उसके बड़े बड़े आंसू उसकी बूढ़ी सफेद दाढ़ी पर से बहने लगे। उसने कहा मैं यहाँ एक किसी कोने पर इस बैंक का अध्यक्ष था। और मैंने कहा क्या ऐसा है? उसने कहा बैंक जाकर और उनसे पूछो। और वह, मैंने कहा अच्छा, ऐसे किस कारण से आपने ऐसा किया? उसने कहा महोदय, आदरणीय महोदय, उसने कहा एक शाम मैं घर पर गया और वहाँ एक पत्र था जो प्रिय जॉन के नाम से मेज पर रखा हुआ था। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने कहा और मैंने कभी शराब नहीं पी, लेकिन मैंने सोचा मुझे कुछ करना होगा, या मैं एक पिस्तौल लूंगा और अपने दिमाग को उड़ा दूंगा, और मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और मैं यहाँ हूँ। मैंने सोचा परमेश्वर दया करे, समझे? पर उस समय से यही है जिसने इसे शुरू किया। हम हमेशा एक समय से लेकर सोच सकते हैं। फिर युवा जोड़े की तरह जो विवाह करते हैं, ओह वे जितने प्यारे हो सकते हैं उतने प्यारे होते हैं। पहली बात जो आप जानते हैं, मैं उस महिला के पास जाऊंगा जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, और मैं कहूंगा महिला किस बात ने तुम्हें अपने परिवार को छोड़ने को लगाया? तुम्हारे पास एक अच्छा पति था। ओह वो मुझसे कहेगी, वो कहेगी भाई ब्रैनम मैं स्वर्ग से ओस की तरह ही पवित्र थी, मैंने अपने पति से विवाह किया और उसके पास एक गुणी महिला आई और वह एक श्रेष्ठ पुरुष था, उसने काम किया और पसीना बहाया और मेरी देखभाल की और बच्चे, मेरा छोटा सुंदर सा लड़का जब वो पैदा हुआ था, मैं अब अपने पति की पीठ पर छोटे लड़के को देख सकती हूँ, पीठ पर बैठाकर जमीन पर ऊपर और नीचे घुमा रहे थे, और ओह यदि मैं फिर से बुला सकती। मैंने पूछा खैर क्या हुआ था? वो कुछ ऐसा कहती अच्छा ये ठीक है, और एक दिन सुंदर लहराते बालों और बड़ी बुरी आंखों वाली एक सेल्समैन ने दरवाजे पर खटखटाया, और उसी समय से, समझे, ये इस तरह शुरू होता है, एक समय को चिन्हित करता है, इसकी तब शुरुआत होती है। तुम कभी नहीं सोचना कि पाप गली में पड़ा रहता है, हमेशा गटर में होता है। पाप सजा धजा और सुंदर होता है, निश्चय ही करता है। मैंने हमेशा कहा है शैतान एक टस्किडो सूट और एक लंबी सी टोपी पहनता है और अपने हाथ में एक छड़ रखता है। उस चिकनी चुपड़ी बातों को करने वाले चालाक को देखें, बिल्कुल सही, शैतान मूर्ख नहीं है। आप जानते हैं वो जानता है कि कैसे कपड़ों को पहनना है, वो इसे आकर्षक बनाता है, समझे? और ये हमेशा पुराना चार्ली बार्लेकॉर्न नहीं होता है जिसकी टोपी नीचे खींची होती है। कभी कभी यह एक सच्चा ईमानदार हृदय होता है, यदि उसके पास एक अच्छी शुरुआत थी या ऐसा ही कुछ कि उसकी मदद करें तो वो सही जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं। मैंने बहुत सी बार देखा है, और ऐसे मैं लोगों के पास चलकर गया हूँ, वे उतने फटेहाल होते हैं जितने वे हो सकते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ और मेरे पास परमेश्वर के द्वारा ये जानने का एक तरीका है कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं, आप यह जानते हैं। तो एक मनुष्य को देखता हूँ जो पूरा गंदा और हर एक चीज, मैं बल्कि उसे कई बार अपने साथ रखना चाहूँगा। तब कोई तो उनके अपने तरीके के कपड़े पहने होता है, शायद कॉलर घुमा हुआ हो, और मेरी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं ओ भाई ब्रैनम
हम आपके लिए हैं और मैं ठीक तभी जान जाता हूँ तब वो झूठ बोल रहा है। देखा, आपने देखा, ऐसा ही है। मुझे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ओह, तुम एक चोरी से छिप सकते हो लेकिन तुम एक झूठ से नहीं छिप सकते, तो यह सही है। लेकिन जब हम उन स्थानों पर पहुंचते हैं उस समय से, फिर साथ ही नया साल आता है, आप सब बाहर जाकर और एक संकल्प को लिखते हैं, पत्नी आज रात मैं तुम्हें वचन दूंगा, मैं एक नए पन्ने को पलटूंगा और मैं और कभी शराब नहीं पीऊंगा। और वो महिला इतनी सिगरेट पीती रही इतना तक कि वह अपने बच्चे को अब दूध भी नहीं पिला सकती, इसे निकोटीन का जहर देती है, इसे मार डालती है और वो नए साल पर धूम्रपान बंद करने जा रही है, शराबी नए साल पर शराब छोड़ने जा रहा है। अनैतिक व्यक्ति नए साल पर अपनी अनैतिकता को बंद करने जा रहा है, इसी तरह इत्यादि बातें। आप क्या करते हैं? अगले दिन इसे फिर से चालू करने के लिए बस एक नए पन्ने को पलटते हैं। देखा, आपने सही शुरुआत नहीं की। ये सब बातें ठीक हैं, मेरे पास उनके विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे कि युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप में से बहुत अधेर उम्र के पुरुष और लगभग मेरी उम्र के, मैं सोचता हूँ कि जब युद्ध समाप्त हुआ तब मैं 8 या 9 साल का था, और मुझे याद है जब उन्होंने युद्ध की घोषणा की 1914, मैं स्प्रिंग वैगन पर बैठा हुआ एक छोटा सा बालक था। मेरे पिता के पास फलियों की सब्जी की एक बोरी थी, फलियों की सब्जी और मक्के की रोटी खाकर हम जीते थे। अब भी इसे पसंद करता हूँ, और इसलिए वे पॉप युद्ध के बारे में बात कर रहा था और उसे शायद युद्ध में जाना पड़ सकता था। मैंने कहा, यदि वे लोग तुम्हारे पीछे आ जाएं, तो मैं फलियों की सब्जी की इस बोरी को लेकर उन लोगों को उससे मारूंगा। और इसलिए अब उस समय मैं बहुत ही छोटा था, और फिर मुझे याद है कि जब उसने मेरे लिए मेरे जूते की पहली जोड़ी लाई थी, उसने कहा वह नीचे जा रहा है, वो और उसकी माँ उन्हें बाहर निकालने के लिए। मैं नंगे पाँव था, आप जानते हैं छोटे लड़के नीचे पहाड़ों में, जहाँ मुझे पाला पोसा गया था, बस वही था जिसे तुम पुराना हिकरी या अमेरिकी पेड़ कहते हो, एक छोटा चोगे के जैसा, या एक छोटी शर्ट जब वे एक छोटे लड़के थे। मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं लगभग 6 साल का था तब तक मैंने इसे पहना था, और मेरे जूतों की पहली जोड़ी उनके चारों ओर का जो सिरा था जिससे उनमें छोटे छोटे छेद हो गए थे। और मैं हमेशा ही जब मेरे हाथ में एक छींटा आता तो मैं भागकर माँ के पास जाता और वो उसे इस तरह निकाल लेती, और मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे जूतों में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं जहाँ उन्होंने एक सुई ली होगी और उन्हें कहीं से निकाला होगा, क्योंकि माँ ने कहा कि उसे नीचे जाकर और मेरे लिए वहाँ से जूतों की एक जोड़ी लाना है। मैंने सोचा कि उसने यह सुई से किया है इसलिए। लेकिन विश्व युद्ध के बाद मुझे ये संदेश याद है, हमारे पास कभी अब और युद्ध नहीं होगा, युद्ध समाप्त हो गया है। वो अच्छे इरादे थे जो उनका उद्देश्य था, और उसके बाद उन्होंने वो बनाया जिसे हम राष्ट्र संघ के रूप में जानते हैं, प्रत्येक राष्ट्र से इतने सारे पुरुषों सैनिकों को लेते हुए, और वे सारी धरती पर पहरा देंगे। यह अच्छा इरादा था लेकिन इसने काम नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। अब हमारे पास वो है जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, और जो यह है लगभग एक दूसरे पर बंदूकों को ताने हुए संयुक्त राष्ट्र में बैठे हुए हैं। यह कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि एक समय पर आप किसी एक ठहराए हुए समय पर मिल सकते हैं और सब कुछ बदल जाएगा। यही है जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, और उस समय से आप एक बदले हुए व्यक्ति होते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर से मिल सकता है और कह सकता है, उस समय से यीशु मसीह से भेंट करने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यीशु से भेंट करने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, फिर आप हमेशा ही वापस उल्लेख करके कह सकते हैं उस समय से। आइए हम आज रात कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें जो परमेश्वर से मिले थे। आइए पिता अब्राहम के बारे में सोचें। वह सिर्फ एक साधारण सा मनुष्य था। वो अपने पिता के साथ बाबुल से आया और शिनार की तराई के नगर में रहने लगा, कसदियों के देश उर में। वह कुछ विशेष व्यक्ति नहीं था, वह कोई संत व्यक्ति नहीं था, वह आपके या मेरे जैसे एक साधारण सा मनुष्य था। और एक दिन शायद वो एक किसान था, वहाँ खेतों में
खेती बाड़ी कर रहा था और वह या कुछ तो और एक दिन वह परमेश्वर से मिला। उसके पास कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से अधिक विश्वास नहीं था, लेकिन जब वह परमेश्वर से मिला 75 वर्ष की उम्र में इसने उसका पूरा अस्तित्व ही बदल दिया, क्योंकि वह परमेश्वर से मिला था। परमेश्वर ने उसे बताया वह 75 वर्ष का था और उसने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया था और उस समय वह 65 वर्ष की थी। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसे सारा से एक बालक उत्पन्न होने वाला है। अब वह होता, यदि ऐसा होता, कोई तो उसके पास चलकर जाता और उसे कहता, उसका कोई साथी मित्र, और कहा, अब्राहम तुम सारा के द्वारा एक बच्चे को जन्म देने वाले हो और वह तुमसे एक बालक को जन्म देगी। अब्राहम हंसता और उसके बगल को पकड़कर और कहता, मैं मेरे जैसा एक बूढ़ा मनुष्य और मेरी पत्नी लगभग 30 वर्ष या रजोनिवृत्ति के 20 वर्ष के बाद, और जब वह 17 वर्ष की थी तब से मैं उसके साथ रहता हूँ। वो बांझ है और मैं निर्जीव हूँ, और हमारे पास भला एक बालक कैसे हो सकता है, और मैं 75 का हूँ और वो 65 की है। वह अपने मित्र के मुंह पर हंसा होता, लेकिन वह परमेश्वर से मिला और उस समय से इसके विपरीत कुछ भी था उसने ऐसा बताया जैसे कि वह था ही नहीं। आमीन। वह परमेश्वर से मिला था। यदि बीमार व्यक्ति कभी परमेश्वर से मिल सकता है, चाहे आप कितने भी अपंग क्यों न हो, आप कितने भी बीमार क्यों न हो, आप कितने अंधे रहते हो, आप परमेश्वर से मिलते हो, आप में कुछ तो अंदर चला जाता है और आप इन परिस्थितियों को और नहीं देखते हैं, आप उस ओर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर हमेशा जो कहता है, जीवन की चिंताओं में से निकलते हुए अपने हृदय में उतरने का रास्ता निकालें और वहाँ एक विश्वास उत्पन्न करें। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इससे कभी भी हिला सके। जब एक मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, उस समय से वह एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। अब्राहम 100 वर्ष का था और वह अभी भी इसके विपरीत जो कुछ भी कह रहा था जैसे कि यह नहीं था। प्रमाण बढ़ता और बढ़ता गया जो उसके विरुद्ध में ढेर हो गया था। सारा 90 की थी और वो 100 वर्ष का, वह अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, मजबूत अविश्वास में से होते हुए डगमगाया नहीं, लेकिन हर दिन परमेश्वर को स्तुति दे रहा था कि उसे बालक होगा। क्यों? परमेश्वर ने उससे भेंट की थी, परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर ने उसके साथ वाचा की पुष्टि की। क्या हमारे पास उस पुष्टि को लेने का समय है? उत्पत्ति का 16वां अध्याय या हम 17वें अध्याय पर भी ले सकते हैं, जब उसने उससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर भेंट की थी, जिसका अर्थ है एल शदाई। उस इब्रानी में शब्द इसका मतलब एक महिला के स्तन। एल शदाई वो एक शक्तिशाली, वो तृप्त करने वाला, पोषित करने वाला। जब एक बूढ़ा व्यक्ति 100 वर्ष का और परमेश्वर उससे मिला और कहा, मैं एल शदाई हूँ। अब शद का मतलब होता है महिला का स्तन, लेकिन शदाई का मतलब है स्तनधारी, बहुवचन। अब वो केवल एक स्तन का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एक स्तनधारी परमेश्वर है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यदि आपको उद्धार की आवश्यकता है तो थामे रहें और परमेश्वर के उस स्तन से दूध को खींचें, उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञा। आप अपने आप को उन पाप के कामोत्तेजना और अनैतिकता से एक धर्मी संत व्यक्ति की ओर लेकर आएंगे। यदि आप बीमार हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, केवल परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा को थाम ले और दूध को खींचे। बालक को क्या करना है? वो बालक, हम परमेश्वर के छोटे बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़े बहन, आप सब जो वहाँ हो, हम परमेश्वर के छोटे बच्चे हैं। और बच्चा बीमार और कुड़कुड़ाने पर क्या करता है? वह बहुत ही चिड़चिड़ा और बीमार होता है। अब केवल एक चीज जो उसे करना है, केवल एक ही चीज जो उसे शांत करेगी, वो यह है कि माँ इसे उठाएगी, उसे अपनी छाती से लगाती है और उसको दूध पिलाती है। अब माँ क्या करती है? माँ दूध को उत्पन्न करती है और बालक को दूध पिलाती है। माँ के दूध पिलाने से बच्चे को शक्ति मिलती है, तब बच्चा माँ की शक्ति के द्वारा ताकत को पाता है। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने हृदय में थामे रहते हैं, तो हम परमेश्वर की शक्ति को पी रहे होते हैं, वो एक जो शक्तिमान है। हम लगातार
दूध को खींच रहे हैं और माँ के ऊपर लेटे एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए। इसकी माँ की छाती पर यह वो उसके चिड़चिड़ेपन को बंद कर देता है। जैसे ही वह अपनी माँ के स्तन को पकड़ लेता है वह चिड़चिड़ाना बंद कर देता है। यह अब चिड़चिड़ाता नहीं है, यह संतुष्ट है। यह उसके चिड़चिड़ाने को छोड़ देता है। फिर जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ लेते हैं, जब परमेश्वर इसे हम पर प्रकट करता है, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है, जो कोई चाहे वो आए, मैंने उसकी आशा को रखा है, तब मैं संतुष्ट हूँ। जैसा कि मैं फिर से वापस यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति को देने वाले से अपनी शक्ति को खींच रहा हूँ। एक बूढ़े मनुष्य के लिए क्या ही प्रोत्साहन की बात है। 100 वर्ष का लगभग मरा हुआ था और सारा का गर्भ पहले ही बंद है जब वह बांझ जन्मी थी। और क्या ही एक संदेश, मैं तेरा शक्ति देने वाला हूँ, मैं अल शदाई हूँ, तुम 100 वर्ष के हो लेकिन तुम मेरे लिए केवल एक बच्चे हो। यहाँ मेरे हाथों में लेट जाओ और मेरी प्रतिज्ञा को थाम लो और सिर्फ प्रतिज्ञा के अलावा और कुछ भी नहीं देखो। तब तुम क्या कर सकते हो, जैसे जैसे मूछें बूढ़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे बाल सफेद होते जाते हैं, तुम फिर भी दूध को खींच सकते हो और संतुष्ट हो सकते हो कि मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। डॉक्टर कह सकता है तुम बदतर और बदतर होते जा रहे हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अभी भी उस एल शदाई की छाती से दूध को खींच रहे हैं। परमेश्वर, आपने मेरे हृदय में बात की, आप मुझे प्रतिज्ञा देते हैं, अधोलोक के सारे शैतान इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मैं संतुष्ट हूँ कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं एल शदाई से दूध को खींच रहा हूँ, आमीन। मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मुड़ी हुई हड्डी को बाहर निकालता है और उसमें रीढ़ की हड्डी डालता है, निश्चित रूप से ऐसा करता है जब आप परमेश्वर को थाम लेते हैं। जब अब्राहम जब वो शपथ की पुष्टि कर रहा था तो आपने ध्यान दिया कि उसने कहा, मुझे एक मेड़ा दो और 3 वर्ष का एक बछड़ा भी दो और इसे लो। और उसने उन्हें आधे टुकड़े करके एक और रख दिया। उसने कहा, मेरे लिए एक जंगली कबूतर और छोटा सा एक पिंडुक ले लो। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, काश हमारे पास इसमें जाने का समय होता था। मैं उस घड़ी को देख रहा हूँ और मैं अपने विषय से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब्राहम ने लिया, कहा दो या एक जंगली कबूतर और एक पिंडुक लो। अब कबूतर हमेशा ही प्रतिनिधित्व करता था या बीमारी के लिए प्रायश्चित्ता को। देखो, पिंडुकों को अलग नहीं किया गया था, दूसरों को अलग कर दिया गया था, क्योंकि सुसमाचार के साथ वो वाचा व्यवस्था से अनुग्रह में बदल गई थी, लेकिन दिव्य चंगाई हमेशा एक जैसी बनी रही है। उन्होंने कोढ़ की दवा के लिए एक कबूतर व एक पिंडुक को लिया और उसका सिर काटकर उसका लहू दूसरे पर उंडेल दिया और वह कोढ़ को साफ करने के लिए चला गया, छींटे मारते हुए और पुकारते हुए पवित्र। अब इसमें ध्यान दें, पिंडुकों को अलग नहीं किया गया था। अब इस चिन्ह पर ध्यान दें। ओह प्रभु, मुझे आशा है कि आप इसे समझ जाएंगे। पर जब ये हुआ, अब्राहम उस पर से सब पक्षियों को भगाने लगा और आकाश के शिकारी पक्षियों को, जब तक ये सूरज ढलने लगता है। और जब सूर्य अस्त हो गया, मतलब समय और नहीं रहेगा, तब अब्राहम गहरी नींद में सो गया। और जैसे धरती पर जन्म लेने वाले सब मनुष्य को गहरी नींद आती है, हम मृत्यु की नींद में जाते हैं। आप मरते नहीं हो, आप तो बस जाते हैं, आप बस अपने वास करने के स्थान को बदलते हैं। अब अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उसने दृष्टि की और उसके सामने एक धुएं की भट्टी उठने लगी। प्रत्येक पापी जो मरता है और प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है, जो शारीरिक संबंध के जरिए से जन्म लेता है, वो मृत्यु के अधीन है। हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है एक पापी है। मैं परवाह नहीं करता कि आपके माता पिता कितने पवित्र थे, आप इस दुनिया में वैसे ही आए हैं जैसे कोई पापी या कोई भी और आता है। हम आप पापी हो, हम पाप में जन्मे हैं, अधर्म में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आए। वचन कहता है आप आरंभ से ही पिछड़े हुए हो। और फिर हर नश्वर जो मरता है, नरक उसका विश्राम
स्थल होता है, यही वो सब विश्राम है जो उसे मिलता है जो अब्राहम के सामने आया। ध्यान दे, फिर उसके उस पार मृत्यु के बाद अधोलोक आता है, लेकिन अधोलोक के पार एक छोटा सा सफेद प्रकाश आता है। ओ प्रभु, प्रभु का नाम धन्य हो, वह छोटा सा सफेद प्रकाश उन बलिदानों के बीच ऊपर नीचे होता रहा। उसने कहा, तुमने देखा अब्राहम, मैं क्या करने जा रहा हूँ? वह अब्राहम के साथ वाचा की पुष्टि कर रहा था। अब हो सकता है मैं इसे जल्दी समझाऊंगा। अब आज हम अमेरिकी लोग, जब हम एक वाचा की पुष्टि करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम एक व्यापार का लेन देन करने जा रहे हैं। पहली बात जो आप जानते हैं, मैं आगे बढ़कर और सामने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लूंगा और कहूंगा, उस बात पर हाथ मिलाओ। इस तरह हम एक वाचा को बांधते हैं, मिलाएं, हाथ को मिलाएं। हमने इसकी पुष्टि की, यह सही है, हम उस पर सहमत होंगे, यह एक वाचा है। अब जापान में आप जानते हैं कि वे वहाँ कैसे एक वाचा को बांधते हैं। वे इस पर पूरी तरह बात करते हैं और फिर नमक से भरा एक छोटा कटोरा लेते हैं और एक दूसरे पर नमक छिड़कते हैं। यह जापान में एक वाचा होती है। लेकिन पूर्व में अब्राहम के दिनों में जिस रीति से उन्होंने वाचा बांधी थी, वो ऐसे थी, एक पशु लेकर, जैसे एक भेड़ या किसी चीज को लेना और उसे मारकर और उसे भाग में काटना, और हर एक उस पशु के इन दो टुकड़ों के बीच में चला जाता है। अब देखा कि छोटा सा सफेद प्रकाश क्या कर रहा था, और उन्होंने इस वाचा को लिखा, मैं ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा करने के लिए सहमत हूँ। अब जब उन्होंने आपस में इस वाचा को बांधा, उन्होंने कहा, यदि हम इस वाचा को तोड़ते हैं, यदि हम इस वाचा को तोड़ते हैं, हमारे शरीर इस मरे हुए पशु के समान हो जाएं, जिसे हम हाथ में लेते हैं। तब उन्होंने वाचा को लिया और उसको इस तरह से टुकड़े करके दो भाग किया, एक एक टुकड़ा लेता और एक दूसरा टुकड़ा लेता है। उनकी कभी नकल नहीं की जा सकती थी। आप उस कागज के टुकड़े की नकल कभी नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें, इसे ठीक वापस जुड़ना है और मेल खाना है। उस पत्र के टुकड़े जो बीच से फाड़े गए हैं, आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। एक एक टुकड़े को लेकर जाता है और एक दूसरे टुकड़े को। और जब ये वाचा पक्की होकर और लाई जाती है, तब शपथ पक्की होती है। फिर वे इन दो टुकड़ों को वापस एक साथ लाते हैं और वे टुकड़े को टुकड़े से मिलाते हैं। अब वह पूर्वी वाचा क्या थी जो परमेश्वर अब्राहम को दे रहा था कि अब्राहम के बीज के द्वारा प्रभु यीशु आएगा जो धन्य है। परमेश्वर उसे कलवरी तक ले गया और उसने उसे फाड़कर दो टुकड़े किया। उसने उसके प्राण को उसके शरीर से अलग कर दिया और परमेश्वर ने उसकी देह को तीसरे दिन जिलाया और उठाकर और अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। और पेंटिकॉस्ट के दिन उसने उस आत्मा को नीचे भेजा जो यीशु मसीह में था, जो कि कलीसिया के साथ वाचा थी। और जब कलीसिया पुनरुत्थान में एक साथ आती है, वही आत्मा जो यीशु मसीह में था, जो उसमें से फाड़कर निकाल दी गई थी, उसे कलीसिया में होना होगा। आप इसकी तरह कुछ भी नकल नहीं कर सकते हैं, आप इससे अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। यह वही पवित्र आत्मा होना चाहिए जो मसीह में वास करता था। और जब रैप्चर आता है, जब वह देह आती है, उसकी दुल्हन जो उससे फाड़ कर अलग की गई थी, या पवित्र आत्मा उस दुल्हन को लाकर बिल्कुल ठीक यीशु मसीह की देह के अंदर जोड़ देगा। और क्या आप देख सकते हैं, लूथर के दिनों से आगे वेस्ली तक, आगे पेंटिकॉस्ट तक, और अब अंत के समय में वह आत्मा कैसे आकार ले रहा है? वही चिन्ह और अद्भुत काम जो उसने धरती पर किए थे, आज कलीसिया में किए जा रहे हैं। यह वो वाचा है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, और हम अब्राहम की संतान हैं। मसीह में मरकर हम अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। उस समय से कलीसिया के पास एक वाचा थी, हाँ, यह भिन्न था। अब जब मूसा, एक भगोड़ा भविष्यवक्ता, वहाँ पीछे रेगिस्तान के पीछे की ओर, वो मनुष्य भविष्यवक्ता बनने के लिए जन्मा था, और वह एक महान पुरुष था। उसने सैन्य उपलब्धि की शिक्षा को प्राप्त किया था, लेकिन उसने अपनी सारी बुद्धिमता के साथ काम करने की कोशिश की, क्योंकि वह बहुत चतुर था। वह मिस्र के उन शिक्षकों को पढ़ा सकता था। वो एक चतुर मनुष्य था। अब वहाँ पीछे रेगिस्तान के पीछे की ओर था, क्या होता यदि उसने कहा, मैं हार गया, इसलिए मेरे लोग अभी भी बंदर में हैं, शायद मेरे लिए अच्छा होगा मैं अपने गणित पर थोड़ा सा अध्ययन कर लूं, या सेना की
रणनीति की, मेरी रणनीति पर, या ऐसा ही कुछ तो। और मैं वहाँ पर जाऊँगा, 2 वर्ष और स्कूल लूंगा और हो सकता है मैं अपने लोगों को छुड़ा सकूं। ऐसा करने में उसकी उतनी ही बुद्धि है जितना किसी व्यक्ति को प्रचारक बनने की शिक्षा को लेने के लिए दूर भेजना। परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है। यदि वह मनुष्य कॉफी से फूटकर निकले हुए बीज को नहीं जानता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक वो मसीह को जानता है, यही तो मुख्य बात है, यदि उसने कभी उससे भेंट की है। इसके बजाय मैं चाहूँगा कि कोई मेरे बच्चों में से एक के साथ बाहर एक नागदोने की खेती में काम करे। कहीं तो वहाँ एक पुराना ठूंठ जो उसका क ख ग भी नहीं जानता हो, या नहीं जानता हो कौन सा दायां हाथ है या बायां हाथ है। यदि वह यीशु मसीह को जानता है तो मैं उसे अपने बच्चे के पास रखना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं किसी ऐसे प्राध्यापक से मिलूं जो धर्म ज्ञान का बहुत कुछ जानता हो और एक खरगोश बर्फ के जूतों के बारे में जितना जानता है वो परमेश्वर के बारे में उतना भी नहीं जानता। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई, आज हमें जिस चीज की जरूरत है वह है वापस बाइबल की ओर जाएं और पुराने चरण का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वापस कलीसिया के अंदर हो और इसी तरह की अन्य चीजों को काट दिया गया हो। मैं अज्ञानता का समर्थन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, क्या आपके पास शिक्षा के साथ और भी चीजें हैं? आमीन। लेकिन शिक्षा की वाचा इन दिनों में से एक दिन गिर जाएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ की वाचा युगानुयुग और युगानुयुग और युगानुयुग बनी रहेगी। यह समय के युगों और युगों से अनंत काल तक चलता रहेगा। अब मूसा, उसे किसी चीज को चमकाने की जरूरत नहीं थी, केवल एक चीज जो उसे करना था, उसे परमेश्वर से भेंट करना है। और एक दिन परमेश्वर नीचे उतर आया, वहाँ पर एक झाड़ी में था और कहा, यहाँ आओ मूसा, मुझे तुमसे बात करनी है। आप जानते हैं, यह लगभग कुछ अजीब सी बात है। मूसा कह सकता है, उस समय से कुछ तो घटित हुआ। उसकी ओर देखो, वो पहाड़ के पीछे वहाँ बस गया था, वहाँ पहाड़ की तलवटी के नीचे। और जब वो बस गया, उसने एक खूबसूरत इथियोपियाई स्त्री से विवाह कर लिया और वो सुंदर थी और उसका गेशोम नाम एक छोटा पुत्र भी हुआ और ओह, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसने मिघान के एक याजक यित्रो की बेटी सिपोरा से विवाह कर लिया और वे साथ साथ सुखी रहते थे। एक प्यारा छोटा सा परिवार था, उनके पास ढेर सारी भेड़ें थी और उसका बस ठीक ठीक चल रहा था, तो उसने लोगों को जाने दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे भेंट की तो उसने उसे बदल दिया। वहाँ उसकी ओर देखो, वहाँ पीछे उस महान चरवाहे को। लेकिन सुबह, आप जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में, एक बात है, जब एक मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, आप इसे हमेशा ही बता सकते हैं, वो वही मूर्खतापूर्ण चीजों को करेगा जो वो पहले किया करता था। मूसा को देखो, अब मूसा अगली सुबह इस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से भेंट करने के बाद, और परमेश्वर ने उसे मिस्र जाने के लिए कहा, उसने कहा, पहले मुझे अपनी महिमा को दिखा, और उसने उसे दिव्य चंगाई को दिखाया कि कैसे वो कोड़ से अपने हाथ को ठीक कर सकता है। और वह वहाँ मिस्र को जा रहा था। अब देखो, अगली सुबह यहाँ वो नीचे अपने मार्ग पर था। अब वो 80 वर्ष का था। आप जानते हैं, उसकी स्कूली धर्म ज्ञान को उसमें से निकालने में 40 वर्ष लग गए। परमेश्वर को उसमें से इसे मारकर बाहर निकालने में 40 वर्ष लगे। यह सही है, उसमें से बाहर निकालने के लिए जो संसार ने उसमें डाला था। लेकिन परमेश्वर 40 सेकंड में आपके लिए इसे कर सकता है, यदि आप उसे ऐसा करने दें। लेकिन फिर अब अगली सुबह को वो यहाँ था। एक दिन एक पॉलिश किया हुआ विद्वान मिस्त्रियों के सारे ज्ञान के साथ, और अगली सुबह इस विद्वान को देखें, उसने अपनी पत्नी को खच्चड़ के पीठ पर बैठाया है, उसने उसकी गोद पर उस छोटे बच्चे को बैठा दिया, और यहाँ उसकी एक बड़ी लंबी इस तरह की दाढ़ी है, उसका गंजा सिर चमक रहा था, उसके हाथ में एक छड़ी है, नीचे की ओर जा रहा है, साथ ही लंगड़ा कर चल रहा है। महिमा महिमा, तुम कहाँ जा रहे हो मूसा? तुमने क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्र की ओर जा रहा हूँ, उस पर कब्जा करने, एक मनुष्य का आक्रमण। लेकिन उसने कर दिखाया, उसने ऐसा किया। क्यों? उसने परमेश्वर से भेंट की, और जब परेशानियाँ कठिन हो गई और यह हर एक चीज गलत हो रही थी, उसे याद आया कि वो उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मिला था। यह उसके हृदय में जलने लगा, चाहे मिस्त्रियों को कितना भी बुरा क्यों न लगा हो, और वे बच्चों को कितना भी जाने न दे, कितनी बार वे रेगिस्तान में
जोर से चिल्लाए हों और कहा हो हम परमेश्वर के लिए होगा और उसे पत्थर मारना चाहते थे और हम मिस्र के मांस के बर्तनों को चाहते हैं, इससे वो जरा भी परेशान नहीं हुआ। वो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ता गया क्योंकि वह जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मिला था। जी हाँ श्रीमान, यह छोटी सी कुंवारी मरियम थी, एक साधारण छोटी सी लड़की, इससे भी एक सबसे गंदे शहर में, लेकिन वह फिर भी धूम्रपान या शराब नहीं पीती थी। वो एक कुंवारी थी और वह एक दिन वह एक के साथ अपने रास्ते पर थी। शायद उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी। वो सार्वजनिक कुएं से कुछ पानी लेने के लिए जा रही थी, पानी की दैनिक आपूर्ति के लिए। आइए हम कल्पना करें कि वो रास्ते के किनारे किनारे जा रही है, किसी के साथ चल रही है, बात कर रही है या अपने आप में गा रही है। हो सकता है कुछ अच्छा स्तुति गान, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मेरे प्राण को ज्यों का त्यों करता है। उन दिनों में यह बाल्टी के स्थान पर खड़ा हुआ करता था और अचानक से बड़ा अग्नि का एक खम्बा उसके सामने आकर ठहर गया। उस अग्नि में से जिब्राइल प्रधान दूत ने बाहर कदम रखा, कहा जय तेरी हो मरियम, इसका मतलब रुको एक मिनट ठहरो, रुको मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, तूने परमेश्वर से अनुग्रह को पाया है और तू एक बालक को जन्म देने जा रही है बिना किसी पुरुष को जाने। कहा यह भला कैसे होगा? कहा पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा और वो पवित्र चीज जो तुमसे उत्पन्न होगी परमेश्वर का पुत्र कहलाएगी। आमीन। उस समय से मरियम एक भिन्न महिला थी। वह छोटी सी संकोचशील कुंवारी गवाही देती हुई हर जगह घूम रही थी, मुझे बालक होने वाला है बिना किसी पुरुष को जाने। उसने सकारात्मक होने तक प्रतीक्षा नहीं की, उसने जीवन को महसूस होने तक प्रतीक्षा नहीं की, उसने सकारात्मक होने की प्रतीक्षा नहीं की, उसके लिए दूत का वचन ही काफी था। उसने परमेश्वर से भेंट की। अब वो, यदि आप अभी ऐसा कर सकते हैं, यदि हमारे पास आज रात यहाँ और भी मरियम होती थी, यदि हमारे पास मरियम होती थी जिसने नहीं कहा रुकना जब तक मैं थोड़ा और अच्छी तरह से देखने लूँ, इससे पहले कि मैं कुछ तो कहूँ, इससे पहले कि वह कुछ महसूस करे या कुछ तो, और उसने बस परमेश्वर को उसके वचन पर लिया और उसके लिए उसकी स्तुति करने लगी। ओह प्रभु, आइए कुछ मिनटों के लिए उसका अनुसरण करें, आइए उसे जल्दी से देखते हैं। उसकी एक इलिशिबा नाम की एक चचेरी बहन थी और इलिशिबा दूत ने उसे बताया, कहा तेरी चचेरी बहन इलिशिबा की बूढ़ी जकराया एक याजक था और मंदिर में वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ था, उससे भेंट की और उसे बताया कि इलिशिबा से उसका एक पुत्र होने वाला है और मंदिर में उसकी सेवा के दिनों के बाद वह गर्भवती होने वाली थी। और वह क्यों? उसने संदेह किया। वो तब जरा सोचिए, उस बूढ़े याजक के पास बहुत सारे उदाहरण थे, जैसे मंदिर में हन्ना और सारा, हमने जिसके बारे में अभी बात की, बूढ़े थे और बालक जन्मा। कहा ओह यह नहीं हो सकता, मेरी पत्नी बहुत बूढ़ी है। उसने कहा मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर की ओर से आया हूँ, तो उस दिन तक गूंगा रहेगा जब तक बालक जन्म नहीं हो जाता, तू उसका नाम पुकारेगा यूहन्ना। और वह गूंगा था और वह वहाँ अपनी पत्नी के पास गया, उसने गर्भ धारण किया और उसने, वो 6 महीने गर्भ से थी, बालक में कोई जान नहीं थी और वह बहुत चिंतित था। तो मरियम ने इस बारे में सुना था, सो मैं उसके छोटे छोटे गाल देखता हूँ जो बिल्कुल लाल जैसे दिख रहे थे। वह साथ ही वहाँ जा रही थी, जितनी वो खुश हो सकती थी उतनी खुश थी। अभी तक कोई अनुभूति नहीं है। यीशु ने कभी नहीं कहा क्या तुमने इसकी अनुभूति की, उसने कहा क्या तुमने इसे विश्वास किया, और आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं उस समय आप विश्वास करें। वो अनुग्रह कितना बहुमूल्य प्रतीत हुआ उस घड़ी जो मैंने पहली बार महसूस किया। यह सही नहीं दिखाई पड़ता, क्या दिखाई पड़ता है? जिस घड़ी मैंने पहली बार विश्वास किया, जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसी तरह से यह बहुमूल्य है, यह प्रतीत हुआ। ओह परमेश्वर, रात के बाद दूसरी रात सभाओं में प्रकट हो रहा है और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाता है। ओह ये बस हमारे हृदयों को झंझोर देना चाहिए। निश्चित रूप से वह विश्वास कितना बहुमूल्य दिखाई दिया, अनुग्रह जिस घड़ी में मैंने विश्वास किया। यहाँ मरियम चली गई, उसके छोटे छोटे गाल जैसे गुलाब की तरह, उसकी छोटी छोटी आँखें बस चमक रही थी, चमकदार। उसने अपनी कमर कस ली और यहूदिया के पहाड़ पर चढ़कर जाने लगी, वहाँ ऊपर जहाँ उसकी चचेरी बहन रहती थी। और मैं
सारा को देख सकता हूँ। मैं स्त्रियों को रास्ते पर देखता हूँ। आज रात का खाना खा रहा था मैं, यदि मैंने अपना मुंह नहीं मोड़ा होता तो वे मुझे भोजनालय से बाहर निकाल देते। एक स्त्री वहाँ आती है जो किसी भी समय माँ बनने वाली है, इन छोटे छोटे कपड़ों के साथ एक बड़ी पुरानी चीज, ओह, और सिगरेट पीते हुए, और डॉक्टर कहते हैं कि सिगरेट सबसे घातक चीजों में से एक है। सुनो भाई, यह एक नुकसान पहुंचाने वाली है, निश्चित रूप से यह है, और डॉक्टरों की चेतावनी है कि गले और फेफड़ों का कैंसर होता है, और गर्भ में उस बालक के लिए धूम्रपान करना। लेकिन वहाँ, लेकिन उन दिनों स्त्रियाँ भिन्न हुआ करती थी। उसने भीतर जाकर और अपने आप को छिपा लिया और मनुष्यों की दृष्टि से दूर हो गई और भीतर जाकर और छिप गई, और वह 6 महीनों के लिए वहाँ पर थी। छोटा यूहन्ना कभी भी नहीं हिला था, वह अपनी माता के गर्भ में रचा गया था। हम जानते हैं कि यह पूरी तरह से असामान्य बात है। तो हो सकता है उसने खिड़की को ऊपर उठाया हो और इस तरह से बाहर देखा हो उस पर्दे से, और उसने एक सुंदर स्त्री को आते देखा जो लगभग 18 वर्ष की थी। उसने फिर से देखा, ओह, उसने कहा, यह तो मरियम है, ओह प्रभु। और उसने अपनी छोटी सी शॉल को लिया और अपने चारों ओर लपेटा, वहाँ जल्दी से भागी। और उसका पति उस समय पर गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। बाहर भाग कर गई और इसे लिया, छोटी शॉल ली और उसके चारों ओर लपेटा और बाहर भागी। वह वहाँ पीछे बैठी हुई थी, छोटी छोटी बूटियों और चीजों को बुन रही थी, तैयार हो रही थी। आप जानते हैं, छोटा सा कंबल, छोटी सी सुई का काम, और सो वह बाहर भागी और उसने कहा, ओह मरियम। आप जानते हैं, उन दिनों में वे एक दूसरे को गले लगाते थे, उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम था। इन दिनों में आपको यह अब और नहीं मिलता है। देखा, मैं वहाँ शहर में था, मेरी पत्नी आज रात यहाँ नहीं है, मैंने इसे बताया है और उसके यहाँ होने के बारे में, तो यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ। मैं वहाँ शहर में गया और किसी बहन ने कहा, हेलो बहन ब्रैनम। मैंने कहा, तुमने उससे बात नहीं की? उसने कहा, हाँ मैंने बात की। खैर, मैंने कहा, उसने तुम्हें वहाँ सड़क पर कैसे सुना होगा, और मैं ठीक तुम्हारे पास ही बैठा हूँ और मैंने नहीं सुना? ओह, उसने कहा, मैं मुस्कुराई थी। मैंने कहा, एक छोटी सी मूर्खतापूर्व मुस्कुराहट, यह कुछ भी नहीं है। हे परमेश्वर, तुमने बहन से बात क्यों नहीं की? मैं ऐसी बातों को देखने से घृणा करता हूँ। कुछ समय पहले मैं वहाँ फ्लोरिडा में था, और हम वहाँ किसी तरह की जमीन के विषय एक सभा को कर रहे थे, जो कि एक रानी के अधिकार में है। और उन्होंने कहा, प्रबंधकों में से एक ने आकर कहा, रानी आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैंने कहा, वो कौन है? और कहा, क्यों, वो यहाँ एक महान महिला है, वो एक रानी है। मैंने कहा, ठीक है, वो सिर्फ एक महिला ही है, क्या नहीं है? कहा, हाँ। अच्छा, मैंने कहा, तो ठीक है, अब क्या आप मुझे उससे बात करने का समय देंगे? यहाँ के इन कुछ बेचारे बीमार लोगों के बारे में क्या है जिन्हें उसकी और अधिक आवश्यकता है? देखा, और मैंने कहा, उनके कुछ समय के बारे में क्या? देखा, ओह, कहा वह, लेकिन वो, मैं उससे मंच के पीछे मिलूंगा। और मैं नीचे चला गया। वो हाथ में एक छड़ी पर इस तरह से लगे हुए चश्मे को लिए हुए वहाँ खड़ी थी। अब जिसको भी समझ है वो जानता है कि आप इस तरह से लगे हुए चश्मे पर से देख नहीं सकते। देखो, बहुत बड़ी महिला जिसकी कलाई पर इतने गहने थे कि वो एक मिशनरी को 5 बार दुनिया भर में भेज सकती है। जी हाँ श्रीमान, बने रहो। और उसने कहा, क्या आप डॉक्टर ब्रैनम हैं? मैंने कहा, नहीं महोदया, नहीं। मैंने कहा, मैं भाई ब्रैनम हूँ। ओह, उसने कहा, मैं प्रसन्न हुई हूँ। और उसने उस बड़े हाथ को इस तरह पकड़ रखा था। अब मैं ये पसंद करता हूँ। मैं ऊपर पहुँचा और उसके बड़े मोटे हाथ को पकड़कर उसे नीचे की ओर खींचा। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, इस पर ही बने रहिए, जिससे कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपको जान जाऊंगा। देखा, यह सही है। मुझे एक अच्छा पुराने समय का जोर से हाथ पकड़कर ऊपर नीचे करके मिलाना पसंद है। मैं पसंद करता हूँ जो लोग केवल वही बने रहते हैं जो वे हैं। इस दिखावे को करना छोड़ दो, अमेरिकी कुत्ते का सा, जैसा कि हम इसे कहते हैं। हम मसीही लोग हैं, आइए हम मसीही लोगों की तरह जिए और पुरुष और महिलाएं क्रूस के योद्धा बने। यह सब यहाँ बकवास बात है। छोटी सी मुस्कुराहट, मुझे वह अच्छा पुराने समय का हाथ मिलाना पसंद है जहां आप इसे महसूस करते हैं। पॉल रेडर ने एक बार कहा, उसने अपनी पत्नी को टेबल पर बैठे बैठे ही छोड़ दिया और उनके बीच इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हो गया कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है।
महान पॉल रेडर आप जानते हैं, और वह मेरा एक अच्छा मित्र है, और उसने कहा था कि उसे एक प्रकार से गुस्सा आया और वह दरवाजे पर गया और उसकी पत्नी हमेशा वहाँ खड़ी रहती और उसे चुम्बन से अलविदा कहती और वह सीढ़ियों से बाहर चला जाता और आगे रास्ते के अंत तक जाता था और इस तरह से उसकी ओर हाथ हिलाता और काम पर चला जाता। कहा कि उनकी टेबल पर किसी बात को लेकर थोड़ी कहा सुनी हो गई थी और वह दरवाजे पर खड़ी रही। उसने कहा अलविदा का चुम्बन, उसने कहा अलविदा। वो चला गया और वहाँ से निकलकर फाटक पर पीछे घुमा, हाथ हिलाया और कहा कि वो दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसने कहा अलविदा और उसने कहा अलविदा। रास्ते पर चला गया और कहा कि है उसके हृदय पर काम करना आरंभ कर दिया, पवित्र आत्मा ने उसे पकड़ लिया। आप जानते हैं, उसके हृदय पर कार्य करने लगा और उसने कहा ओह क्या होगा यदि वह मेरे जाने के दौरान मर जाए, क्या होगा यदि वह मर जाएगी, क्या होगा यदि मैं मर जाऊं, क्या होगा यदि मैं यहाँ पोर्ट वेन में सड़क पर मारा जाऊं इससे पहले कि मैं कभी वापस आऊं, मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह इसके विषय में बात करते हुए ओह प्रभु कहा, उसने कहा ओह मैं इतना दोषी हो गया हूं, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। उसने कहा मैं तेजी से वापस भागा, झटके से फाटक को खोला और दौड़कर अंदर आया और धक्का देकर दरवाजा खोला और कहा, चारों ओर देखा और मैंने कहा हेलेन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कहा मैंने एक सुबक सुबक कर रोने को सुना। कहा वह दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। कहा मैंने उसे इस तरह से देखा। कहा मैंने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। कहा मैं बस पहुंचा और अपने बाहों में पकड़ा और उसे चूमा और मैंने कहा चुम्बन अलविदा। उसने कहा अलविदा। तो वह फाटक के बाहर दौड़कर गया और मुड़कर पीछे देखा और कहा वह दरवाजे पर खड़ी थी और मैंने कहा अलविदा और उसने कहा अलविदा। कहा उसने पहली बार की तरह हाथ को हिलाया लेकिन दूसरी बार उसकी इसमें एक भावना थी। तो बस ऐसे ही यही प्रभु की सेवा करने के तरीके के विषय में है। आप जानते हैं, आपको इसमें अपना हृदय डालना है, आपको ईमानदार बने रहना होगा, आपको परमेश्वर से भेंट करना है, ना ही कलीसिया जाकर और कुछ ठंडी सूखी आंखों से अंगीकार को करना है, वहाँ पर जाकर और वहाँ बने रहना है। मैं एक बैप्टिस्ट कलीसिया में बड़ा हुआ था, आप ये जानते हैं, और हम यहाँ आप सभी बैप्टिस्ट लोगों की तरह बैप्टिस्ट नहीं थे। चलकर जाएं और हाथ मिलाएं और संगति के दाहिने हाथ को पकड़ें और अपना नाम एक किताब पर लिखें और बपतिस्मा लें। हम वहाँ वेदी के पास जाते और एक दूसरे की पीठ पर तब तक मारते रहते जब तक हम उस बात पर ना आ जाएं। हमें कुछ मिल न जाए भाई, मेरा मतलब है आपको और की आवश्यकता है। आपको यहाँ कुछ केंटकी बैप्टिस्ट पुराने मिशनरी बैप्टिस्ट की आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूँ, वे मैंने उनमें और पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच केवल जो अंतर देखा, वे अन्य भाषा में बोलना स्वीकार नहीं करते। मैं बस इतना ही जानता हूँ, वे हम इसमें से होकर आए हैं। हम वहाँ वेदी पर बने रहे और हमारे आसपास बूढ़ी माताएं रोती थी और प्रार्थना करती थी। हमें पीठ पर तब तक मारते रहते जब तक कि कुछ तो नहीं हो जाता। हम वहीं पर बने रहते जब तक हम मर नहीं गए और फिर से जन्म नहीं लिया और मसीह यीशु में एक नई सृष्टि नहीं बन गए। जी हाँ श्रीमान, बहुत बुरा हुआ, हम दूर आ गए हैं। हमें परमेश्वर से भेंट करना है। जब मनुष्य परमेश्वर से भेंट करता है तो बात भिन्न होती है। उस समय से लेकर वो एक भिन्न व्यक्ति होता है। एक बार एक कोढ़ी व्यक्ति था, कोर से भरा हुआ, और जब वो परमेश्वर से मिला उस समय से लेकर उसे कोर नहीं हुआ। एक बार एक अनैतिक स्त्री कुएं पर पानी लेने को आई थी और उसने देखा एक यहूदी दूसरी तरफ उस पर बैठा हुआ है और उसने घड़े को कुएं के नीचे उतारा। वह बहुत ही अनैतिक थी, वह सभ्य महिलाओं के साथ बाहर नहीं आ सकती थी। उन्होंने उन्हें तब अलग कर दिया, वे अब नहीं करते, तो वे बस यही समाज है। इसलिए उन्होंने बस कुएं में बाल्टी को नीचे डाला और उसे इस तरह से ऊपर लाना शुरू किया। और जब उसने ऐसा किया, उसने किसी को कहते सुना, पानी को मेरे लिए देना स्त्री, या स्त्री पानी को मुझे पिलाना। इसी तरह से उसने कहा, क्योंकि उस देश में शब्दों में क्रिया हमेशा क्रिया विशेषण से पहले होती है, लेकिन उसने कहा मेरे लिए पानी लाना। और सो उसने कहा, तुम यहूदियों में सामरी लोगों से इस तरह से मांगने की रीति के अनुकूल नहीं है। हमारे बीच एक दूसरे के प्रति कोई रीति के अनुकूल नहीं है। उसने कहा, लेकिन यदि तुम्हें मालूम होता कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम मुझसे जल मांग रही होती थी, मैं तुम्हें पानी देता, तुम यहाँ पानी भरने नहीं आती। क्यों? उसने कहा, कुआ तो गहरा है,
और आप कैसे, जो कुछ भी हो आप इसमें से कैसे खींचोगे? तो उसने कहा, मैं जो पानी देता हूँ ये जीवन है, अनंत जीवन, प्राण में उमड़ रहा है। क्यों? उसने कहा, हमारे पिताओं ने यहाँ पहाड़ पर आराधना की, आप कहते हैं यरूशलेम में। और वो उसके साथ बातचीत करने लगा जब तक उसने उसकी आत्मा को पकड़ नहीं लिया। जब उसने उसकी आत्मा को पकड़ा, उसने कहा, अच्छा तुम जाकर अपने पति को लेकर और यहाँ आओ। उसने, याद रखना, वो एक अनैतिक स्त्री थी। जैसा कहा गया, जाकर अपने पति को लेकर और यहाँ आओ। क्यों? उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने सच कहा है, क्योंकि तेरे पांच पति हैं और जिसके साथ तुम अभी रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है। उसमें तूने ठीक कहा। उस स्त्री को देखें, जल्दी से, उसने किसी बात से भेंट की थी। यह वही है जिससे आप आज रात मिलते हैं। क्या यह आपको बदल देगा? जैसा उसने उसे बदल दिया, उसने कहा, महोदय, मैं समझती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। ये इससे कितना फर्क था उस याजक के लिए जिसने कहा कि वो बाल जबूब है। वो उन आधे प्रचारकों से बेहतर प्रशिक्षित थी, फिर भी एक वेश्या थी। कहा, महोदय, मैं समझती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। अब हम जानते हैं, हम सामरी लोग एक आने वाले मसीहा की बाट जो रहे हैं। वो एक परमेश्वर भविष्यवक्ता होगा, वो मसीहा होगा, लेकिन वो हमें इन बातों को बताएगा। वो इसी प्रकार के कामों को करेगा जब वो आएगा। क्या यह मसीहा का चिन्ह है? यह उस वक्त था, देखा। कहा, हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है, मैं समझती हूँ कि तुम हो। हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो हमें इन बातों को बताएगा, लेकिन तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अविश्वासी मुझे एक बार बताए कि यीशु ने कहा, बहुत से अविश्वासी आपसे कहते हैं, यीशु ने कभी भी परमेश्वर का पुत्र होने का दावा नहीं किया। उसने वहाँ किया। हाँ, उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बातें करता है। और जल्दी से उसने उस बाल्टी को छोड़ दिया। और उस समय से वो जानती थी कि मसीहा धरती पर था। ओह परमेश्वर, यदि हम आज रात उसी बात को कर सकते, यदि हम समझ सकते कि वो मरा नहीं है, वो हमेशा के लिए जीवित है। वो जीवित है ताकि बिचवाई के काम को करे, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उसकी आत्मा हम में है, उसकी आत्मा हमारे बीच में है। उस समय से नगर के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, स्त्री की गवाही की वजह से। यीशु ने इसे वहाँ पर फिर कभी नहीं किया। उसने बस वहाँ पर जाकर इसे एक बार किया और सारी सामरिया ने उस पर विश्वास किया। उसके पास कभी भी एक चंगाई की सभा नहीं थी। वह उसे फिलिपुस के लिए बचा रहा था, लेकिन उस समय से वह स्त्री बदल गई, वह नगर बदल गया था। एक बार एक बूढ़ा मछुआरा, उसके चारों ओर एक पुराना चिकना ऊपर का वस्त्र था, उसके भाई अंद्रियास ने उसे यीशु के सामने लाया। और जैसे ही वह यीशु के सामने आया, यीशु ने कहा, तुम्हारा नाम शमौन है, तुम जोना के पुत्र हो। और उस समय से वो एक भिन्न मनुष्य था। फिलिपुस ने जाकर और नतनेल को ढूंढा और उसे उसके पास लाया, और उसने कहा, एक इजरायली को देखो जिसमें कोई कपट नहीं है। उसने कहा, रबी, तुम मुझे कब से जानते हो? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाता, तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। और उस समय से वो एक बदला हुआ मनुष्य था। हर एक जन बदल जाता है जो कभी भी परमेश्वर के संपर्क में आता है। एक छोटा सा गोलाकार नाक वाला यहूदी था, कलीसिया जिसके पास चाबियां थी, उसने बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने यहाँ वहाँ जाकर और कहा, अब आओ हम सब एक साथ आएं, हम देखेंगे कि चाबियों ने क्या भला किया है। वहाँ जाकर और कहा, आओ हम सब एक साथ आएं और एक मनुष्य को चुने जो हमारे बीच में आता जाता रहा हो आरंभ से ही, ताकि यहूदा के स्थान को ले, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है, उसका स्थान उजाड़ हो जाए और कोई दूसरा उसके धर्माध्यक्ष के पद को ले ले। और कहा कि उन्होंने चिट्ठी डाली और वह मतीहा के नाम पर निकली। उसने कभी एक काम भी नहीं किया। यह मनुष्य का चुनाव था और परमेश्वर वहाँ नीचे गया और उसकी जगह लेने के लिए शहर में सबसे छोटे से व्यक्ति को लिया, एक छोटा सा यहूदी। उसने कहा, मैं अब उसे दिखाऊंगा कि मैं उससे मेरे लिए क्या करवाऊंगा। और उसने स्तिफनुस को देखा। जब वो मरा
उस तरह से उसने इसे उसके ऊपर लिया। उसके बाद अगली चीज जो आप जानते हैं, वह अपने रास्ते पर था। उसकी जेब में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं उन सभी को पवित्र शोर शराबा करने वालों को पकड़ूंगा। मेरे पास महायाजक का ठीक यहाँ आदेश पत्र है। मैं दशमिश को जाऊंगा और उन्हें बंदी गृह में डाल दूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं उस चीखने और चिल्लाने और वो सब करते जा रहे हैं, अन्य जुबान में बोलना और अन्य चीजें करना बंद करवा दूंगा। मुझे आदेश मिलेंगे, मैं इसे करूंगा। वह छोटी सी नाक इस तरह से नीचे लटक रही हो। परमेश्वर ने कहा, मैं बस उससे रास्ते में मिलूंगा और उसे बदल दूंगा। लगभग दोपहर के समय वह सड़क के बीच में से आ रहा था और पहली चीज जो आप जानते हो, वो आग का वह खंभा उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, शाऊल शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु ये कौन है जिसे मैं सताता हूँ? आपका क्या नाम है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ और अधिकार पाए हुए लोगों के विरुद्ध लड़ना तेरे लिए कठिन है। और उस समय से वह अपने पत्र से छूट गया और उनमें से एक बन गया। उस समय से हाँ, इसने उसे बदल दिया। हनन्याह ने उस दर्शन के द्वारा उस पर हाथ रखे और उसने देखा था और उसने दृष्टि को पाया और उसे दशमिश नदी के पास ले जाकर और उसे बपतिस्मा दिया। वह अन्य जाति की कलीसिया के लिए एक संत बन गया। परमेश्वर, अब यहाँ देखें कैसे क्या हो। यदि उन्होंने कहा, जब पौलुस परिवर्तित हो गया, शायद कलीसिया ने कहा होगा, ओह देखो अब हमारे पास कौन है, हमारे पास यह बड़ा महान पौलुस है। हम जानते हैं कि यह मनुष्य गमलियल के नीचे रहा था, वो देश के महानतम शिक्षकों में से एक है और वो एक फरीसी है। वह एक महान व्यक्ति है। हम उसे यरूशलेम में खड़ा करेंगे और हम उसे वहाँ पर की कलीसिया का प्रधान बना देंगे और हम पत्रस को लेंगे। निश्चित रूप से वो एक जिसके पास चाबियां हैं, वह अनपढ़ है, वो नहीं कर सकता। बाइबल ने कहा कि वह अज्ञानी और अनपढ़ था और उसके पास चाबियां हैं, इसलिए हम उसे बेचारे भोले भाले अन्य जातियों के पास भेज देंगे। यही है वो जिसे हम भी भेजेंगे, क्योंकि वह बहुत अद्भुत कार्य को करता है। लेकिन यह महान बुद्धिमान मनुष्य हम यहाँ बौद्धिक भीड़ के साथ लाएंगे। पवित्र आत्मा ने पौलुस को भोले भाले लोगों के पास भेजा और उसे वह सब भुला दिया जो वह अब तक जानता था, और पतरस वो भोला भाला और उसे शिक्षित लोगों के पास भेज दिया। मामला क्या था? वे परमेश्वर से मिले और उस समय से बुद्धिमान लोगों की गिनती नहीं हुई। ठीक है, उस समय से लेकर आगे रिकॉर्ड बदल दिया गया था। कैसे परमेश्वर मनुष्य की सोच के बिल्कुल विपरीत काम को करता है। ओ प्रभु, यह वह बहुत ही वह चीजों को बहुत ही आसान करता है। हाँ, पौलुस एक बदला हुआ मनुष्य था, एक अंधा व्यक्ति था। उस रात को हमने प्रचार किया, फाटक पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह परमेश्वर से मिला और उस समय से वह देख सकता था। गदरा में एक पागल था जो अपने कपड़ों को फाड़ देता था, कब्रिस्तान में रहना चाहता था। वो दुष्ट आत्माओं के लिए एक अच्छा स्थान है, तो वो वहीं पड़ा रहता और उन्होंने उसे जंजीरों से जकड़ कर रखा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। एक मनुष्य को देखो, क्या आपने कभी किसी पागल व्यक्ति को देखा है? क्यों? वह उसकी शक्ति में तीन गुना या चार गुना था। और यदि वह जो शैतान के सामने इस प्रकार समर्पित होता है, वो आपको आपकी शक्ति से चार गुना शक्ति देगा। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होने पर क्या होंगे, ये आपकी शक्ति को कितने हजार गुना करेगा। भयभीत मत होना। क्यों? आप प्रभु यीशु के नाम में चलते हैं, यही अभिषेक है। परमेश्वर से भेंट करो और देखो कि क्या बात जगह लेती है। यह पागल वहाँ पर भाग कर गया। शैतान ने कहा, जाकर उस छोटे से दुबले पतले व्यक्ति के पास जाओ जो वहाँ आ रहा है, उसके कंधे झुके हुए हैं। कहा, जाकर उस छोटे से व्यक्ति को वहाँ ले आओ। उन सभी लोगों को देखो जो उसके आसपास हैं, जो उसकी ओर देख रहे हैं। कहा, नीचे जाओ और उसे ले आओ। यहाँ वह भाग कर गया और जब वो पहुँचा, वो परमेश्वर से मिला और उस समय से वो अपने कपड़ों को पहनने लगा और अपने सही दिमाग में आ गया। क्या जब वह परमेश्वर से मिला, मित्रों, वहाँ समय होता है जब आप परमेश्वर से मिलते हैं तो वह हर एक व्यक्ति को बदल देता है। बस कुछ समय के लिए मैं अब एक अंगीकार को करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने। मैं 31 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। मैं इस गवाही के बाद बंद कर रहा हूँ।
मैं मसीह होने के बाद से कभी भी मृत्यु से नहीं डरा हूँ, लेकिन जिस बात से मैं डरा हूँ या मैं चिंतित हुआ हूँ वो था समय। यदि मैं यीशु के आने से पहले मर गया तो मैं एक आत्मा नहीं बनना चाहता था। मुझे हमेशा ही छाया जैसी दिखने वाली किसी भी चीज से डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा, जब मैं इस शरीर को जानता हूँ, मैंने सोचा कि मैं प्रभु के पास जाऊँगा, लेकिन हो सकता है मैं अपने किसी एक भाई से मिलूंगा और वहाँ वे एक छोटे सफेद बादल की तरह जाएंगे, एक आत्मा, उस व्यक्ति का प्राण। मैं कहूंगा, ओह वहाँ मेरा भाई है, ओह यदि मैं बस उसका हाथ मिला सकता। उसके पास कोई हाथ नहीं है, यह वहाँ कब्र में सड़ गया है। यदि मैं कह सकता हेलो, लेकिन उसके पास नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास जीभ नहीं है, मेरी जीभ वहाँ कब्र में सड़ गई है। यदि मैं उसे गले लगा सकता, लेकिन मेरे पास नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ओह इसने मुझे मृत्यु से डरा दिया, मुझे यह पसंद नहीं आया। और मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ और मैं मुश्किल से ही पढ़ सकता हूँ, 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। और सो तब मैंने सोचा, ठीक है, ओह यदि मैं बस कर सकता, मैं आशा करता हूँ कि मैं प्रभु के आगमन तक जीवित रहूंगा। अब मैं जानता हूँ कि जब वह वापस आएगा तो मेरा शरीर फिर से पुनरुत्थित हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक शरीर होगा, सारा बुढ़ापा चला जाएगा। आप वहाँ कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, नहीं श्रीमान। पाप का हरेक प्रतीक ले लिया जाएगा और बुढ़ापा पाप का प्रतीक है। इसलिए वो हर एक चीज जो पाप का प्रतिनिधित्व करता है उसे ले लिया जाएगा, जो शराब की वजह से है, वो नहीं जो पाप आपने किया, लेकिन आप आदम की जाति के हो और आप वापस मिट्टी में बदल रहे हैं। और मैंने सोचा, यदि मैं केवल यीशु को आते हुए देखने के लिए जी पाता। मैंने यहाँ भाई जीन से, भाई लियो और उनसे बहुत बार कहा, और भाई फ्रेड, मेरे कई मित्रों से मैंने कहा, ओह मैं आशा करता हूँ कि मैं यीशु को आते हुए देखने के लिए जीवित रहूंगा, क्योंकि जब वो आता है तो मैं बदल जाऊंगा और मुझे वो छाया नहीं बनना पड़ेगा। मैं वो नहीं बनना चाहता। नहीं श्रीमान, मैंने कहा, मैं रहूंगा, मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं मनुष्य जाति से प्रेम करता हूँ, मैं मनुष्य जाति के अलावा कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं वही बनना चाहता हूँ। और एक सुबह, अब से लगभग 5 हफ्ते पहले, मैं एक सभा के लिए बाहर गया था। वहाँ आया, मैं थका हुआ था और मैं लगभग 7 बजे कमरे में उठा और मैंने कहा, हम आज सुबह या सवेरे टैबरनेकल में जाएंगे, मेरी पत्नी से कहा, और वो अभी भी सो रही थी। और मैं जैसे तैसे उठ गया था, बिस्तर पर सिर रखकर और अपने हाथों को इस तरह पीछे कर लिया और मैं वहीं लेटा हुआ सोच रहा था। मैंने कहा, अरे मैं 50 वर्ष का हूँ, मैंने अभी तक प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है, मुझे जल्दी करना होगा और कुछ तो करना है। और मैंने कहा, मैं थोड़े समय के बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, और मैंने कहा, मुझे जल्दी करना होगा और कुछ तो करना है, मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा, लेकिन आप जानते हैं, मुझे निश्चित रूप से पसंद नहीं, मैं उसके आने से पहले मरने के विचार से घृणा करता हूँ। मैंने कहा, यदि वो अभी आ जाता, मैंने कहा, मुझे उस विचार से डर लगता है, यदि मुझे जाना है, यदि वह अभी भी कुछ वर्षों तक वो रुका रहता है, और हो सकता है कि मैं इसे देखने के लिए जीवित न रहूं और मुझे मरकर आत्मा बनना पड़े, मैं यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और जब मैं ये सोचते हुए वहाँ लेटा था, मैंने कुछ ऐसा सुना जो बिल्कुल साफ साफ था, जैसा कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जैसा कि मैं कल रात आपको बता रहा था, कहा, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, मैं यह इस तरह से आता है, ठीक यहाँ के इन दर्शनों की तरह, आप इसे कहते हैं और आप नहीं जानते कि आपने इसे कहा है। आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, आप नहीं जानते कि आप बात कर रहे हो। जब मैं किसी के सामने दर्शन को देखता हूँ तो मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा, केवल एक ही तरीके से मैं जानता हूँ कि इसे यहाँ वापस टेप पर जाकर और इसे ढूंढता हूँ। देखा, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा, क्योंकि आप कहीं तो और किसी और स्थान में होते हैं। हो सकता है किसी के जीवन में 40-50 वर्ष पीछे या किसी के जीवन में बहुत ही आगे हो। देखा, आप नहीं जानते, आप बस नहीं जानते कि आप इसे कह रहे हैं। और मैंने कहा था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहा, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहा, मार्ग के अंत में बड़ा इनाम रखा है। अब मैंने उस अध्यक्ष और आदि लोगों से इसे कहने की अनुमति मांगी।
मेरा विश्वास है कि यह एक दर्शन था, लेकिन यदि ये था तो मैंने इस तरह से कभी भी नहीं देखा। जब मैं लगभग 3 वर्ष का था तब से मैंने दर्शन देखे हैं। हो सकता है उससे भी छोटा था और मैंने इस तरह से कभी भी नहीं देखा है। ऐसा अनुभव मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। मैं एक किताब को पढ़ रहा हूँ जो यहाँ के पास्टर ने मुझे दी थी, किसी और की थी जिसके पास मिलता जुलता अनुभव था। मैंने इसे पढ़ा क्योंकि इसमें भाई ने कहा, वो क्या था, विगलर्सवर्थ या प्राइस, भाई प्राइस के पास कुछ इसी तरह का अनुभव था। मैं उनकी किताब लेना चाहता था और देखना चाहता था कि ये क्या है, मैं पता लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता अनुवाद, क्योंकि ये ऐसा लगेगा यदि आप करेंगे तो यह संत पौलुस की नकल करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं बस वही रहना चाहता हूँ जो मैं हूँ। देखा, अब मैं संत पौलुस नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसी परमेश्वर की सेवा करता हूँ जिसकी सेवा उसने की थी। और इसलिए मैंने कहा, ये बस यही कहता रहा, आगे बढ़ो। और मैंने वापस बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसने कहा, मार्ग के अंत में बड़ा इनाम है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ। मैंने कहा, कौन, ये अवश्य मेरी पत्नी रही होगी। मैंने कहा, तुमने क्या कहा प्रिय? मैंने उसे हिलाया, मैंने कहा, मेडा, तुमने क्या कहा? उसने कहा, हूँ, वो सो रही थी। और मैंने कहा, तो ये वो नहीं थी? मैंने कहा, हो सकता है यह पवित्र आत्मा था। मैंने कहा, दयालु स्वर्गीय पिता, क्या आप अपने सेवक से बात कर रहे थे? आप क्या चाहते हैं कि मैं जानूं? कुछ नहीं कहा। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मैंने इसे फिर से सुना कहते हुए, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को उस गाना गाते हुए सुन सकता हूँ, प्रभु मुझे समय के पर्दे के पार देखने दो। क्या आपने कभी इसे सुना? आप जानते हैं, प्रभु मुझे बीते हुए छाया के पर्दे की ओर देखने दो, दुखों और भय के, मुझे मधुर आश्रय की घंटियों की झंकार सुनने दो। यह मेरे मार्ग को उज्जवल करेगा और सारे भय को दूर कर देगा। प्रभु मुझे बीते समय के पर्दे के पार देखने दो। ऐसा दिखा जैसे कि मैं किसी को गाते हुए सुन सकता हूँ। मैंने सोचता हूँ कि क्या है, मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं अब हूँ। और मैंने किसी को कहते सुना, आगे बढ़ते रहो। मैंने कहा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। उसने कहा, क्या तुम पर्दे के पार देखना चाहोगे? मैंने कहा, इससे मुझे मदद मिलेगी। और ठीक तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और मैंने सोचा, यहाँ क्या माजरा है? और मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं अपने आप को बिस्तर पर पड़ा हुआ देख सकता था। अब यदि यह आपको बाधा डालता है तो परमेश्वर मुझे इसे बताने के लिए क्षमा करे। देखा, मैंने इसे पहले कभी नहीं बताया, केवल अपनी कलीसिया को, मेरी कलीसिया को। और मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आशा करता हूँ कि आप मुझे हठधर्मी नहीं समझेंगे। यदि मैं हूँ तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं बनना चाहता, नहीं श्रीमान, लेकिन मैं स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि यह सत्य है, जैसा कि मैंने अपनी बाइबल को इसके ऊपर रखा है, जैसा कि मैंने पिछली रात आपको गिलहरियों के बारे में बताया था, यह अभी हाल ही में हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने खुद को देखा और मैं हिल-डुल नहीं रहा था। मैं मुड़ा और इस ओर देखा, ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई छोटा सा स्थान इस तरह नीचे आ रहा हो। और मैं इसे क्षमा याचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्त्रियों पर बहुत ही सख्त रहा हूँ। मुझे एक स्त्रियों से घृणा करने वाला कहा गया है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं अपनी बहनों को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं स्त्रियों को उस तरह से हरकतें करते हुए देखना पसंद नहीं करता जिस तरह से ये आधुनिक अमेरिकी स्त्रियां करती हैं। जब मैं सेंट एंजेलो में गया, रोम में जो कब्रों का तहखाना है, इटली में, वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था, कब्रों के तहखाने के पास लिखा था, कृपया अमेरिकी महिलाएं इस स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने कपड़े पहन ले और मरे हुए को सम्मान करें। अमेरिकी महिलाओं के लिए सूचना, क्यों? यह एक अपमानजनक बात है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप सबके पास वहाँ पर कोई सभ्य महिला नहीं है? मैंने कहा, ओह जरूर, हमारे पास है, ये बस वो समूह दूसरा है। देखा, लेकिन वे अमेरिकी के रूप में ही जानते हैं, वो यही था। और सो यह, मैं, मेरे पास इस सभा में आपको बताने का समय नहीं होगा, 1933 में यह एक महिला राष्ट्र है, यह संख्या 13 है, यह प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में दिखाई देता है। 13 तारे, 13 धारियां, 13, हर एक चीज 13 है, हर एक चीज स्त्री है। और याद रखें, यहोवा यो कहता है
कि अंत समय से पहले एक स्त्री राज्य करेगी। वो या तो राष्ट्रपति होगी, उपराष्ट्रपति होगी, या यह एक महिला के रूप में कैथोलिक कलीसिया होगी। मैंने उसे देखा है, एक विख्यात महिला, राष्ट्र उसके सामने झुकता है। यह एक अंत समय से पहले होगा। यहोवा यो कहता है, इसे लिख लो और देख लो। तुम युवा लोगों, देखें क्या ये होता है। यदि यह नहीं होता है तो मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ। अब बस याद रखें, यही अंत है। यह अमेरिका महिलाओं का राष्ट्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ स्त्री स्वतंत्र रूप से ईश्वर है और पुरुष उससे कुछ भी नहीं कहता। वो बॉस है, वह सब कुछ चलाती है, व्यवसाय और सब कुछ। यहाँ तक कि कलीसिया के मंच पर पुलपिट में जा चुकी है और अब इसे चला रही है। इसलिए वहाँ पर जाओ, तुम देखो यह है। अरे बिल्कुल उतना ही वचन अनुसार नहीं है जितना केन और हाबिल की नाई, या हाबिल केन की तरह। निश्चित रूप से ये सारी चीजें वो राज्य करती है और वो एक देवी है। अमेरिका में यही सत्य है। ना ही आप बहनों, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा इस तरह थोड़ा कड़ाई से रहता था, और हो सकता है मैंने सोचा कि मैं कुछ ज्यादा ही कड़क होता हूँ शायद कभी कभी, लेकिन मैं किस तरह से कर सकता हूँ। यदि आप आत्मिक हैं तो आप इसे ठीक अभी समझ जाएंगे। देखा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है। अच्छी बात है। एलिया की ओर देखें, उसने क्या बताया, वो इसकी मदद नहीं कर सका। वह उस इजेबेल के विरुद्ध चिल्ला उठा। क्या वह चिल्ला उठा? कैसे? यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी उसी आत्मा के साथ आया, वह इसके बारे में चिल्ला उठने में भला कैसे मदद कर सकता था? अपने भाई की पत्नी को रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इससे उसके सिर का भुगतान करना पड़ा। देखा, समझे? परमेश्वर अपने मनुष्य को ले लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी नहीं लेता। समझे? ऐसा आगे की ओर बढ़ता रहता है। प्रभु यीशु के आगमन के आगे जाने वाला अग्रदूत, जैसा कि उसने वहाँ 1933 में नीचे नदी में बोला, जब मैं वहाँ पर बपतिस्मा दे रहा था, और आप देखते हैं कि इसका क्या हुआ। देखा, ठीक वही बात जगह लेगी जो उसने कहा था। इसलिए आप इसमें सहायता नहीं कर सकते। और जब मैंने देखा, दौड़ती हुई मेरी ओर आ रही थी, ऐसा था मुझे लगा मेरी ओर देख रही थी, लाखों युवतियाँ, लगभग 20 वर्ष की। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर स्त्रियाँ कभी भी नहीं देखी। उनकी आँखें तारों की तरह दिखती थी, उनके दांत मोती जैसे सफेद, कमर तक लटकते लंबे बाल, उनके पैरों तक नीचे सफेद वस्त्र पहने हुए थी, और वे नंगे पाँव थी, और वे हर एक जन, अब आप स्त्रियां मुझे क्षमा करें, उनमें से हर एक दौड़ती आ रही थी और अपने हाथों को मेरे चारों ओर रखते हुए और चिल्लाने लगी, हमारे बहुमूल्य भाई। अब देखो, परमेश्वर जानता है, जब मैं एक लड़का था, आपने मेरी कहानी पढ़ी है, जब मैं 7 वर्ष का था, उस दिन पर प्रभु का दूत उस झाड़ी में एक भवंडर के समान मुझसे मिला और कहा, कभी भी धूम्रपान, शराब न पीना, या अपने शरीर को अपवित्र न करना। मैंने अपने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया, अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, और मैं अपनी पत्नी को छोड़ किसी महिला को नहीं जानता था। और सो तब जब मैं पापी था, तब मैंने अनैतिक जीवन को नहीं जिया। और लेकिन मैं, जब से मैं एक मसीह रहा हूँ, मैंने उतना ही साफ जीने की कोशिश की है जितना मैं जानता हूँ कि कैसे जीना है, और परमेश्वर जानता है कि यह सच्चाई है। और मुझे यह कहने दो, मैं परवाह नहीं करता कि एक मनुष्य कितना भी संत है, जब तक वो मनुष्य है, वो मानवीय उत्तेजना के बिना दूसरे वर्ग को, एक स्त्री को अपनी बाहों में नहीं ले सकता। और मैं परवाह नहीं करता, आप मुझे यह बताएं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कहानी को बना रहे हैं। और यदि आप एक लाल खून वाले पुरुष हैं, यदि आप वास्तव में एक पुरुष हैं, यह इसी तरह से है, आप इसकी सहायता नहीं कर सकते, तुम एक मनुष्य हो। मैं नहीं कहता कि अब आप कुछ भी गलत करोगे, लेकिन उत्तेजना बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन इसमें यह खत्म हो गई थी। परमेश्वर की स्तुति हो, यह जा चुकी थी। यह ऐसा नहीं होता था जब मैं अपनी बहन डेलोरेस को अपनी बाहों में लेता हूँ, यह ऐसा नहीं होता था जैसे एक माँ अपने बच्चे को ले जा रही हो। मैं नहीं जानता हूँ, यह सिद्ध था। और मैंने देखा यहाँ पुरुषों का एक झुंड आया, ऐसा दिखा जैसे लाखों लोग इस रास्ते से आ रहे हों, और उन सब लोगों ने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, और उनके पास जैसे रोएदार बाल उनके कंधे तक लटक रहे थे, और वो मुझे पकड़कर और चिल्ला रहे थे, हमारे बहुमूल्य भाई। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, और मैं घूमा, मैंने देखा, और मैं वहाँ बिस्तर पर पड़ा था। अब ये जहाँ कहीं भी है,
ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यदि ये दूसरा अय्याम है या क्या, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने स्वयं को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। मैंने इस ओर देखा और यहाँ पर ये लोग थे और वो, यदि मैं कहूँ सिद्ध, यह इसे नहीं बनाता है। यदि मैं कहूँ शानदार, मैं अंग्रेजी के शब्द को नहीं पा सकता हूँ। न बीता कल था, न आने वाला कल था, बस अब था। न बीमारी, न दुख, न पाप, न थकान। वे न खाते न पीते, वे न ही सोते, उन्हें सुना नहीं था, लेकिन फिर भी वे जीव थे। और उन्होंने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाली। मैं से ठीक वैसे ही महसूस करता हूँ जैसे मैं अपने हाथों को इस तरह महसूस करता हूँ। और मैंने भीड़ में से होते हुए देखा और यहाँ मेरी खुद की प्यारी पत्नी आई। जब वो 22 वर्ष की थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ वो आई, वो बिल्ली की माँ, और वो सीधे आई। मैंने कहा वह मुझे अपना पति कहकर बुलाएगी। वो इस तरह मेरी ओर हाथ लहराते हुए महिलाओं के बीच में से अपने रास्ते को बना रही थी। मैं उन काली आंखों को तब चमकते हुए देख सकता था। वो एक जर्मन लड़की थी। उसने दौड़कर और अपनी बाहों को मेरे चारों ओर डाला। उसने कहा मेरे प्यारे भाई, और वहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी, बस अपनी बाहों को मेरे चारों ओर डाला और कहा हमारे बहुमूल्य भाई। और फिर होप, उसने अपना हाथ रखा, वो मेरी पत्नी थी, उसने इस दूसरी महिला के चारों ओर अपना हाथ रखा। उसने कहा क्या ये अद्भुत नहीं है, वो अब हमारे साथ है। मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं नहीं समझ सकता। और उन लोगों ने मुझे ऊपर उठाया और ऊपर एक बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर उठाकर और मुझे वहाँ बैठा दिया और वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उनमें से किसी ने मुझे नहीं चूमा, बस मुझे गले से लगाया और कहा भाई, हमारे बहुमूल्य भाई। और मैंने देखा और लोग हर जगह से आ रहे थे और मैंने कहा ये क्या है, और वो आवाज अब किसी से नहीं, वही आवाज जो कमरे में बोल रही थी अभी भी मेरे साथ थी। उसने कहा यह सिद्ध प्रेम है और मैंने हमेशा ही सिखाया है। पवित्र आत्मा का प्रमाण सिद्ध प्रेम है। देखा, मैं अन्य भाषाओं में बोलने में विश्वास करता हूँ निश्चित रूप से, लेकिन चाहे मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम में रखूं, मैं कुछ भी नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसलिए जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं और उसके साथ प्रेम रखें तो यह आपको दिखाएगा। और जो प्रेम जो हमारे पास यहां होगा वो ऐसा होगा जैसे यहां एक छाया से आरंभ हुआ, छाया में से, छाया से छाया के अंदर, और छाया से धुंध में, और जरा सी नमी में, और एक खाड़ी के अंदर, एक नदी में, और फिर समुद्र के अंदर। यही है जहाँ पर यह पहुँचता है, एकदम सिद्ध, हर एक चीज। तुम मर नहीं सकते, आप कोई पाप नहीं कर सकते। ओह, मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा कि वो स्थान क्या था। देखा, यह बिल्कुल, यह एकदम सिद्ध था, सिद्धता से भी परे। और बस तब वहाँ एक, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या है, और एक बहुत ही खूबसूरत महिला दौड़ कर आई और उसने कहा ओह मेरे बहुमूल्य भाई। उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए, और वो चली गई। और मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा ओह कैसे हर एक जन इतना सुंदर है और इतना युवा है, और सो, और मैंने कहा ये क्या है। और उस आवाज ने कहा यहाँ सभी बड़ी उम्र के सब एक सरूपता में है, और हर एक चीज वापस सिद्धता की ओर लाई गई है। देखो, हम एक निश्चित उम्र तक खाना खाते हैं। जब मैं 16 वर्ष का था, मैं खाता हूँ, विज्ञान को मुझसे इसका उत्तर देने दो, मैं उसी खाने को खाता हूँ जब मैं 16 साल का था जो अब मैं खाता हूँ, बीन्स, ब्रेड, आलू, मांस। और हर बार जब मैं खाता हूँ मैं अपना जीवन नवीनतम करता हूँ। हर कोई जानता है कि लहू की कोशिकाएं बनती हैं और इसी तरह हम धरती पर आते हैं, और अब यहाँ बैठे डॉक्टर को भी यही बात पता होगी। फिर मैं मजबूत होता हूँ, हर समय बड़ा होता जाता हूँ। और जब मैं लगभग 22 वर्ष का होता हूँ तो आप लोग भी, मैं अभी भी उसी खाने को खाता हूँ और हर समय बूढ़ा और कमजोर होता जाता हूँ। मेरे शरीर में नया जीवन डाल रहा हूँ। मुझे इस बात को समझाओ वैज्ञानिक लोगों, यदि मैं एक जग से पानी को एक गिलास में डालता हूँ और जब यह आधा भरा होता है मैं और पानी डालता रहता हूँ और यह नीचे जाता रहता है, वैज्ञानिक रूप से मुझे इसके विषय में बताएं, यह क्या है? यह पहले से नियुक्त किया गया है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। जब आप उस उम्र तक पहुंचते हैं तो वो आपको तब ले लेता है जहां वो आपको चाहता है। कहे आओ मृत्यु आ जाओ, विज्ञान से पूछें कि क्या आप लगभग
22 वर्ष की आयु के बाद मरना आरंभ नहीं करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी अच्छा खाते हैं, आप मर रहे हैं, दूर चलते जा रहे हैं। अंत में ऐसा होगा, मृत्यु ठीक तब आपके रास्ते पर होती है, लेकिन आप बढ़ रहे हैं जब तक आप उस उम्र तक नहीं पहुंचते। लगभग इससे आप लगभग 15 से लेकर लगभग 22 तक अपनी सर्वश्रेष्ठ उम्र में होते हैं। यह सही है। ये लोग बिल्कुल अपने चरम पर दिख रहे थे, बिल्कुल उनके सर्वोत्तम रूप में, और मैं वहाँ उनकी ओर देख रहा था और वे किस तरह से देख रहे थे, तो मैंने यह सोचा, क्या यह अद्भुत नहीं है। और जब मैंने अपनी 8 वर्ष की छोटी लड़की को देखा, जब आपको वो रात याद है और आपने इसे मेरी कहानी में पढ़ा है, जब मैं उससे मिला, वो एक युवा महिला थी। उसने कहा, हेलो पिताजी, और मैंने कहा, पापा क्यों, आप मेरे जितने ही उम्र के हो, मैं इसे नहीं समझ पाता। उसने कहा, पिताजी, धरती में मैं आपकी छोटी शारोन थी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? कहा, वो आपके घर पर आपका इंतजार कर रही है। उसने कहा, मैं यहाँ अपने भाई बिली पॉल की प्रतीक्षा करूँगी। और जब मैं दर्शन से बाहर आया, होप ने अपना हाथ वहाँ मेरे चारों ओर रखा था, और जब मैं दर्शन से बाहर आया, कमरे में खड़ा हुआ था, तब भी उसने अपना हाथ मेरे चारों ओर रखा हुआ था, और मैं किसी दर्शन में नहीं था, न ही कोई कोमा में। मैं वैसे ही खड़ा था जैसे अभी खड़ा हूँ, और वो मेरे इस कंधे पर थपथपा रही थी, परमेश्वर मेरा न्यायी है। और मैंने कहा, होप, तुम अभी भी यहीं पर हो, क्या तुम नहीं हो? उसने कहा, बिल्ली, मुझसे वादा करो कि आप मेरी और शारोन की चिंता नहीं करोगे। मैं बस करने ही वाला था, कुछ मिनट पहले ही मेरे हाथ में पिस्तौल थी। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए मैंने इसे हर तरफ से बंदूक के घोड़े को चलाया था। उसी दिन मैंने 33,000 वोल्ट की बिजली पर हाथ रखने की कोशिश की, जब मैं इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहा था। आप मेरी कहानी को जानते हैं, और पहली बात जो मैं जानता हूँ, तब मैं जमीन पर बैठा था, पसीना बह रहा था, न जाने क्या हुआ था। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को आप लोगों के लिए बचा कर रखा है, नहीं तो मैं ठीक उसी समय चला गया होता। और सो उसने अपना हाथ मेरे चारों ओर रखा था। मैंने कहा, होप, तुम अभी भी यहाँ पर हो? कमरे में अंधेरा था। उसने कहा, मुझसे प्रतिज्ञा करो। मैंने कहा था, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूँ, होप। और जब उसने ऐसा किया, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे थपथपाया, मुझे गले लगाया और मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कहा, तुम अभी भी यहीं पर हो, होप, कहीं न कहीं, क्या तुम नहीं हो? मैंने उसे आसपास महसूस किया, मैंने लाइट को जलाया, मैं हर एक कुर्सी की ओर देखा और यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने कहा, तुम कहाँ हो प्रिय, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कमरे के चारों ओर देखने लगा, उसके लिए इस तरह से महसूस कर रहा था, बस एक लड़का, अभी अभी थोड़े समय पहले विवाह हुआ था, और बिल्ली और शारोन का जन्म हुआ था। और मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे इस बार देखा तो वह वैसी ही दिख रही थी, और मैं वहाँ इस स्थान पर बैठा हुआ था। और मैंने कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों रखा? तुम एक अगुवाही थे, तुम एक अगुवाही जन्मे थे लोगों का नेतृत्व करने के लिए। और मैंने कहा, ओह प्रभु, मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, तो यह सिद्धता है। कहा, यह उन कुलपतियों के समान है जब वे अपने लोगों के साथ इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा, क्या इस मैं यह मृत्यु के बाद है? हाँ। मैंने मुड़कर और पीछे की ओर देखा, वहाँ मैं अब भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और उसने कहा, यह मृत्यु के बाद है। और मैंने कहा, ओह, तो मैं मर गया हूँ? अच्छा, ये तो अद्भुत है, मेरे लिए यहाँ होना अच्छा है, मैं इसे पसंद करता हूँ। और फिर यह महिला, बहुत सुंदर लड़की, जिसने बस अपनी बाहों को मेरे चारों ओर इस तरह से डाला था और कहा, बस आगे बढ़ते रहो। और मैंने कहा, क्यों? मैं नहीं समझ सकता। मैं कहता हूँ, ये सारे भ्रणम है, उनमें से लाखों दिख रहे थे। मैंने कहा, ये सारे भ्रणम है। उस आवाज ने कहा, वे तुम्हारे परिवर्तित हुए लोग हैं। मैंने कहा, परिवर्तित? कहा, तुम उस महिला को देखते हो जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो? कहा, वो 90 वर्ष की हो चुकी थी जब तुम उसे मसीह के पास लेकर गए। अब उसकी ओर देखो, कोई आश्चर्य नहीं कि वो चिल्लाई, मेरा बहुमूल्य भाई। मैंने कहा, ओह, यदि मैं केवल वापस जा सकता, यदि मुझे केवल एक मौका मिल सकता, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, मैं उन्हें खींच लूंगा, मैं उन्हें तैयार कर लूंगा। देखा, इससे कोई भी चूक न जाए, यह सिद्धता है। और उसके बाद तब मैंने देखा, मेरे पास किसी समय एक कुत्ता था, हम शिकार किया करते थे, उसने मुझे कपड़े पहनाए, मुझे स्कूल भेजा, अपोसम का शिकार, कून का और अन्य चीजों का शिकार। और जब हम शहर में चले गए, एक पुलिस वाले ने उसे
जहर दे दिया। जब मैंने उसकी कब्र को थपथपाया, जब मैंने उसे अपने घर के पिछवाड़े में दफनाया, मैंने कहा, फिट्ज, यदि कोई जगह है, मैं एक पापी था, मैं लगभग 17 वर्ष का था। मैंने कहा, यदि स्वर्ग नाम की कोई जगह है तो तुम वहाँ पर जाओगे। बाद में मैं परिवर्तित हुआ। मैंने हमेशा ही सोचा, अब कुछ मैंने किसी को ये बताया और उन्होंने कहा, एक जानवर जात स्वर्ग में है। बिल्कुल, वहाँ स्वर्ग में जानवर हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आलोचना करने को तुरंत ही दूर करें। मुझे बताओ कि उन घोड़ों और रथों का क्या हुआ जो उतरकर एलिया को लेकर ऊपर चले गए? वो घोड़ा कहाँ है जिस पर यीशु सवार होकर आया, लहू में डूबा हुआ वस्त्र लिए एक सफेद युद्ध के घोड़े पर सवार होकर आया? वह भेड़िया और मेमना एक साथ खाने कहाँ पर जा रहे हैं? और सिंह बैल के समान भूसा खाता है? यह कहाँ से आ रहे हैं? और मैंने देखा पहाड़ी के पार से नीचे आते हुए, और यहाँ पर फिर आता है। उसने मेरी ओर देखा और आगे आकर और मेरे हाथ को चाटा। मैंने उसे थपथपाया। तब उसके बाद प्रिंस, मेरा घोड़ा आकर और मेरे कंधे पर अपनी गर्दन रखा और हिनहिनाने लगा। मैंने कहा, ओ परमेश्वर। मैंने ऊपर की ओर देखा और उसने कहा, वे सभी जिसे तुमने कभी प्रेम किया था और वे सभी जो कभी तुमसे प्रेम करते थे यहाँ पर एकत्र हैं। और मैंने कहा, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ जिसे मैंने प्रेम किया है और जिसके लिए काम किया है। और उन्होंने कहा, आप उसे अभी नहीं देख सकते हैं, वो इससे ऊंचाई पर है, लेकिन किसी दिन वो वापस आएगा, और जब वो आएगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा और तुमसे उस सुसमाचार के बारे में सवाल पूछा जाएगा जिसका तुमने प्रचार किया था। और फिर यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो हम आपके साथ जाएंगे वापस, और वो वापस पृथ्वी पर और हमेशा के लिए एक शरीर में एक साथ रहने के लिए एक मांस का शरीर जिसमें हम खाएंगे और पिएंगे। और मैंने कहा, आपका मतलब है वह मुझसे उस वचन पर सवाल करेगा जिसका मैं प्रचार करता हूँ? कहा, हाँ। और वो आवाज जो मुझसे बात कर रही थी ये कहा। मैंने कहा, तो ठीक है, क्या संत पौलुस से भी सवाल पूछा जाएगा? कहा, निश्चय ही उसकी सभा के लोगों के साथ। मैंने कहा, फिर यदि संत पौलुस इसे उत्तीर्ण कर लेते हैं तो मैं भी कर लूँगा। मैंने कहा, मैंने इसका ठीक उसी तरह प्रचार किया है जैसा उसने किया था, एक शब्द भी इधर उधर नहीं किया। और उसके बाद वे लाखों चिल्ला उठे, हम ये जानते हैं और निश्चित होकर विश्राम कर रहे हैं। और उस समय पर मैंने आवाज को कहते सुना, आगे बढ़ते रहो। और मैंने खुद को खिसकता हुआ महसूस किया। मैंने कहा, मुझे वापस नहीं जाना है। क्या मुझे जाना है? आगे बढ़ते रहो। मैंने मुड़कर और अपने शरीर की ओर देखा। मैंने इसे हिलते हुए देखा। मैं उस पर आ रहा था। कुछ ही क्षण में मैं फिर से कमरे में था। मित्रों, उस समय से मैं एक बदला हुआ व्यक्ति रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप इस बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बाइबल पर मेरे हाथ को रखते हुए यह सच्चाई है। यह जहाँ कहीं भी है, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ था या नहीं, यह एक दर्शन था या नहीं। मुझे ऐसा दर्शन कभी भी नहीं आया था। और मान लीजिए कि एक छोटा सा रूपांतर था। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा था। कहे तो मेरी आत्मा बाहर निकल गई और वहाँ चली गई। मैं नहीं जानता कि यह क्या था। क्या वह उस पहले स्वर्ग के नीचे महिमामय है? और उसने अवश्य ही जो देखा होगा जब वो तीसरे स्वर्ग में चला गया और वापस आकर कहा, आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना ही यह मनुष्य के हृदय में आया है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है जो उससे प्रेम करते हैं। मैं और अधिक दृढ़ निश्चित हो गया हूँ। मैंने तब से लेकर, यह मेरी दूसरी बेदारी है, मैं हर एक चीज करने के लिए और अधिक दृढ़ निश्चित हो गया हूँ जो पुरुषों और महिलाओं को तैयार करने के लिए कर सकता हूँ, कि कृपया इसके बारे में सुनिश्चित रहें। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में अत्यधिक रूप से लंगर नहीं होता है तो आप कोई भी उत्तेजना या भावना को नहीं लेना। आप पक्का रहें कि आप दूसरा गाल बढ़ा सकते हैं कि परमेश्वर की मसीह आपके लिए सब कुछ है। आप इस बात से चूकना मत मेरे भाई। बस याद रखें, मैं यह कहूँगा इस विश्वास के साथ कि मेरे पास उस दर्शन में था, ये जो कुछ भी था, मैं इसे प्रभु के नाम से बोलूंगा। जब तक आपके पास वो सिद्ध प्रेम नहीं होता है तो आप वहाँ कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी आत्मा वहाँ उस स्थान से बाहर होगी या नहीं आ सकती। वहाँ
इसके आने का कोई जरिया ही नहीं होगा। यह इससे अधिक और कुछ नहीं होगा कि मक्के का एक दाना भूमि से ऊपर उठे और उसमें जीवन का कोई भी जीवाणु न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी स्वाभाविक क्यों न दिखता हो, वह ऊपर नहीं आ सकता। मेरे मित्र, आप जो बूढ़े लोग हैं, आप जो युवा लोग हैं, आप नहीं जानते कि आप किस समय छोड़कर जाने वाले हैं। हम यह नहीं जानते, लेकिन एक मसीही भाई होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो एक है जो आपसे प्रेम करता है। जब तक आपका नया जन्म नहीं होता है और प्रेम के परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में नहीं आती है, आप निश्चित रूप से उस स्थान से चूक जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि परमेश्वर ने मुझे दिया है, हमारे बीच अनुग्रह को दिया है और आप मुझ पर विश्वास करें, मैं ईमानदार हूँ, क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर जो सर्वव्यापी है और अब यहाँ पर है, जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, स्वर्गीय पिता कृपा मुझे यीशु के आगमन तक वहीं विश्राम करने देना। यही यह होगा, यह मेरे लिए पर्याप्त इनाम होगा यदि मैं केवल उस स्थान पर विश्राम कर सकूं, जब तक कि मैं उसे आते हुए न देख लूं। फिर मेरे लिए प्रकट हुआ, यदि यह धरती का डेरा सरी का घर गिराया जाता है तो हमारे पास पहले से ही एक प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे पास एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। भाई बहन, ये सच है। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है। यदि वो आत्मा जो मुझ पर है ये नहीं है तो मैं नहीं जानता। देखो, आइए हम इसके स्वभाव को लें, आइए हम आग के खंभे को लें, जिसका इज़राइल के बच्चों ने अनुकरण किया, जिसकी तस्वीर उनके पास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से बहुतों के पास यह तस्वीर है। यदि ये तस्वीर नहीं है तो जब आप यहाँ से होकर जाएं, तो इसे वहाँ से ले लें, जहाँ इसे फेडरल सरकार फिंगरप्रिंट और दस्तावेज के FBI एजेंटों के द्वारा इसकी जांच की गई। यह वहाँ हॉल में है, ये वॉशिंगटन DC में रिलीजियस हॉल ऑफ आर्ट में एक टंगी हुई है, एकमात्र अलौकिक अस्तित्व के रूप में जिसका कभी फोटो निकाला गया था। इसे मंच पर देखा गया है, संत इसे जानते हैं, उन्होंने इसे देखा है, संसार भर में लाखों और लाखों बार इसकी गतिविधि को देखा है, इसे व्यक्तिगत रूप से मंच पर प्रकट होते देखा है। मेरी पत्नी ने लगभग 6 महीने पहले इसे पहली बार देखा था। वह उस दिन नदी पर थी जब ये वहाँ पर नीचे प्रकट हुआ, जब यह एसोसिएट समाचार पत्र पर अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में हर कहीं लेख चला गया। बपतिस्मा देने के दौरान स्थानीय बैप्टिस्ट सेवक के ऊपर रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ, वहाँ बना रहा, इसने बात की, लोगों ने इसे आगे और पीछे बात करते सुना। वहाँ खड़े हजारों लोग मुझे मेरी पहली बेदारी से बपतिस्मा देते हुए देख रहे थे। ओयो नदी में 500 लोग परिवर्तित हुए थे। यह समाचार पत्र अखबार की कतरनों में था, हमारे पास ये है, एसोसिएट अखबार पर छपा, कनाडा ने इसे छापा, सारे देश भर में रहस्यमय प्रकाश। अब वैज्ञानिक दुनिया ने इसे ले लिया है, अब उन्होंने इसे 3 या 4 अलग अलग बार लिया है। जर्मनी ने इसे लिया, उन्होंने इसे यहाँ कैलिफोर्निया में कुछ समय पहले लिया था। यह वास्तविक कैमरे वाले वास्तविक मनुष्य हैं। जर्मन के कैमरे ने कहा, हम सोचते हैं कि क्या हमारा कैमरा इसे खींच सकता है। मैंने कहा, कोशिश करने के लिए आपका स्वागत है। और जब आत्मा नीचे उतर रहा था तो उन्होंने इसका नीचे आते हुए फोटो लिया, जब यह विचारों को प्रकट कर रहा था इसे तब लिया और इसे फिर से वापस ऊपर जाते हुए लिया। ओह प्रभु, जर्मनी में हजारों और हजारों बार क्रूज पर उतरा और यही है जहाँ से मुझे वापस लौटना है। जैसे ही वे मैं फिर से जर्मनी वापस जाने के लिए तैयार हो सकता हूँ, वहाँ लॉजेन स्विट्जरलैंड में यह फिर से आया। अब इसका स्वभाव देखें, यदि एक दाखलता, यदि पहली डाली, यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, संत यूहन्ना 15, मैं सोचता हूँ क्या यह सही है, मैं दाखलता हूँ। अब दाखलता ने किस डाली को आगे लाया? पहली डाली पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी, क्या यह सही है? फिर जो दूसरी डाली निकलेगी तो वो एक और पेंटिकॉस्टल कलीसिया होगी। अब हम सारी कलीसियाओं में पेंटिकॉस्टल नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं। अच्छा, तो ये क्या है? यह एक सांटी हुई दाखलता है। आप एक आड़ू का पेड़ ले सकते हैं, या आप एक, मैं कहूँगा एक संतरे का पेड़, और लगभग किसी भी प्रकार के खट्टे फल के पेड़ को साटें, आप किसी भी चीज पर साट सकते हैं,
चकोतरे का या ये जो भी है, लेकिन इसे साटा गया है। परंतु यदि मूल दाखलता में एक डाली बाहर आती है तो वह उसी प्रकार का फल लाएगी जो पहली डाली ने लाया था। अब यदि यीशु मसीह दाखलता है और उसका जीवन, अब याद रखें, उसका दाखलता में फल नहीं लगते, डाली फल को लाती है, लेकिन यह दाखलता से क्रियाशील होती है। क्या यह सही है? तो ठीक है, तब यदि मसीह का जीवन हम में होगा तो यह उसकी आत्मा और उसके कार्यों को लाएंगे। क्या यह सही है? इसे लाना ही होगा, क्योंकि यह परमेश्वर की दाखलता है। अब प्रभु के इस दूत को देखें। हम जानते हैं कि यह सच है। अब देखो इसका किस तरह का स्वभाव है। यह उसी फल को देता है जो इसने तब लाया था जब यह यहाँ धरती पर था। अब यह कलीसिया में वापस आया है उसी फल को लाते हुए, एक और पेंटिकॉस्टल कलीसिया को बना रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे उसने पहली बार किया था। अब उस कलीसिया ने उनके लहू से उनकी गवाही पर मोहर लगाई। वे धर्मी लोग थे, वे परमेश्वर से प्रेम करते थे, वे इसके साथ बने रहे। और जो भी आप करते हो, जो कुछ भी करते हो मित्रों, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप मुझे परमेश्वर का सेवक करके विश्वास करते हो, मुझे आपको कुछ बताने दो, क्या आप उस अद्भुत स्थान से नहीं चूक रहे हैं? इसे मत चूकना। आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। इससे पहले कि हम सभा में आगे बढ़ें, मैं अभी सोचता हूँ, क्या यहाँ कोई एक है, दो, दर्जन, यहाँ कितने लोग हैं जो कहना चाहेंगे, भाई ब्रैनम, मुझे ठीक अभी प्रार्थना में याद करें, जब से आपने इसे बताया है, मेरे पास मृत्यु का थोड़ा डर था, मैं उस भरोसे को पाना चाहता हूँ, मैं अपना हाथ परमेश्वर के सामने उठाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको यहाँ आशीष दे पुत्र, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको, आपको, हाँ, वे सारे जो वहाँ पीछे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, सारे भवन में, बालकनी में, हम आपके हाथों को वहाँ पर देखते हैं। मैं वह शांति को पाना चाहता हूँ जो सारी समझ से परे हो। मैं देख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अपना हाथ ऊपर उठाएं, पवित्र आत्मा को बोलने दें। यदि आप आज रात मर जाते हैं तो क्या आप वहाँ जाएंगे जहाँ विलाप करना और रोना और दांत का पीसना है, या आप शांति के उस धन्य मधुर विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं? मैं इसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ प्रभु के नाम में कहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे वहाँ पीछे, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, कोई और है, अपना हाथ ऊपर उठाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, ये सही है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं देख रहा हूँ, बस कुछ क्षण का इंतजार कर रहा हूँ, हर एक जन सिरों को झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, बस जारी रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं आपका हाथ देखता हूँ, मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, यह अच्छी बात है। तो ठीक है, कोई और है, बस प्रतीक्षा करते रहें, तो ठीक है। स्वर्गीय पिता, आप उनके हाथों को देखते हैं, मैं देख रहा था, कुछ होते हुए देख रहा था, पिता आप इसके बारे में सब जानते हैं। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा उन पर मधुरता से बनी रहे, वे जान जाएं कि यह जो मैंने कहा है होने पाए, ये ऐसा हो कि वे कह सकें इस समय से आगे। उनका बर्ताव बदल चुका है, उनके मन की कठोरता पिघल गई है, मधुर शांति और दिव्य प्रेम ने उसका स्थान ले लिया है, इसे प्रदान करें पिता। होने पाए उनमें से हर एक जन अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम का बपतिस्मा पाएं, कि वे दूसरे गाल को फेर सकें, दो मील तक जा सकें, जैसा उसने किया, उसके मुंह पर थूका और मुंह पर कांटे लगाए, उसके हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी के साथ था, नम्रता से उन लोगों के लिए मरने के लिए क्रूस की ओर चला जो उसे मार रहे थे,
परमेश्वर कैसे हमें उसी तरह से बनाए पिता, उनके पत्थर के हृदय को हमसे बाहर निकालें और हमारे भीतर एक सच्चा मधुर दयालु हृदय को डालें, हमें एक आत्मा को डालें जैसे उसके पास है। इसमें से प्रत्येक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आकर ठहर जाए। वहाँ 30 या 40 लोगों ने अपने हाथ को उठाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उन्हें अनंत जीवन देंगे, उन्हें पाए वे आपसे कभी भी लज्जित न हो, होने पाए कि वे आपके पास मधुरता से आए, होने पाए वे अब जान जाएं कि किसी चीज ने उनके हाथ को उठाने को लगाया है। ये क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यही जो अब उन पर है जिसने निर्णय लेने के लिए उन्हें उनके हाथ को उठाने के लिए प्रेरित किया। होने पाए ये रात वो रात हो वे कह सके उस शनिवार की रात से लेकर वहाँ उस स्कूल के सभागार में मैंने परमेश्वर से भेंट की, मुझे कुछ तो हुआ, मैं तब से लेकर बदल गया हूँ। इसे प्रदान करें पिता, मैं उन्हें संदेश के विजय चिन्ह के रूप में आपको सौंपता हूँ। और आपने कहा जिन्हें पिता ने मुझे दिया है वो सब मेरे पास आएंगे और उनमें से कोई भी नाश नहीं होगा। हे प्रभु, आपने उन्हें बताया था कि आप उन्हें अनंत जीवन देंगे और अंतिम दिन उन्हें फिर से जिलाएंगे। वो अनंत जीवन, वो प्रेम जो उन्हें इस महान स्थान की उपस्थिति में लेकर आएगा जिसे मुझे कुछ सप्ताह पहले देखने का सौभाग्य मिला था। पिता, मैं नहीं कह सकता कि यह क्या था, मैं नहीं जानता, आप मेरे हृदय को जानते हैं, लेकिन मैं केवल जो कह रहा हूँ उसमें ईमानदार हूँ। आप मेरी बातों को दर्ज करते हैं पिता, और मैं, ये क्या ही एक प्यारी सी जगह है। परमेश्वर, जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं छोटे जोसेफ को एक ऐसा व्यक्ति देखना चाहता हूँ जिसके हाथ में इस बाइबल को रख सकूँ, क्योंकि उसके समर्पण के दिन आपने बोला, कहा, जोसेफ तुम एक भविष्यवक्ता हो। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप मेरे पुत्र पर आत्मा का दुगना भाग आने देना। यदि आप मुझे बूढ़े होने तक आपके लिए प्राणों को जीतने के लिए जीने देते हैं, उसके बाद इस बाइबल को मेरे पुत्र जोसेफ के हाथों में सौंपने देते हैं और उसे उसी सुसमाचार के साथ आगे जारी रखने के लिए कहूँ, तो यह एक पूर्ण जीवन होगा पिता। तब भी जब आप मेरे लिए तैयार हैं, आमीन। क्या एक सुंदर विश्राम, मैं उस स्थान को देखने की फिर से लालसा रखता हूँ प्रभु यीशु। होने पाए आज रात यहाँ उपस्थित हर एक जन, हर वो व्यक्ति जिसने आज रात संदेश को सुना है, होने पाए उनमें से एक भी नाश न हो, लेकिन होने पाए हर एक को मैं उन्हें वहाँ पर देखूं। फिर जब हम दौड़कर और अपनी बाहों को एक दूसरे के चारों ओर डालें, जब वहाँ कोई भी अंतर नहीं होता है, फिर पुरुष और महिला के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, वो पाप की लकीर दूर हो चुकी है, तब हम वास्तव में भाई और बहन हैं, जहाँ हम रह सकते हैं, अब कभी भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता है, ना कोई दुष्ट विचार उस तरह के स्थान पर कभी कुछ भी नहीं आ सकता है, वहाँ कोई अशुद्धता नहीं हो सकती, हम सब मसीह में एक होंगे। हम सब वहाँ पर उपस्थित हों प्रभु, इन बूढ़ी महिलाओं और बूढ़े पुरुष लोगों को एहसास होने दो कि मैंने उन्हें सच बताया है, यह सच्चाई है। आज रात चौराहे पर खड़े इन युवा लोगों को उनके जीवन को आकार देने दीजिए, होने पाए वे सही मार्ग को चुनाव करें कि यहाँ से प्रस्थान होने के दिन कोई उदासी न हो। इसे प्रदान करें पिता, अब मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। क्या आप वास्तव में अच्छा महसूस कर रहे हैं? आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको अपना हाथ उठाने के लिए प्रेरित किया है? आइए हम देखें, क्या आप विश्वास करते हैं कि वही था? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से आता है? मैंने आपको अपने हृदय से बताया। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने यहाँ एक रब्बी से बात की तो उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, आप उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। कहा, यह परमेश्वर से बहुत दूर है कि उसके पास एक पुत्र हो। मैंने कहा, वो परमेश्वर का पुत्र था। कहा, परमेश्वर के पास एक पुत्र है, वो ना तो यीशु था और ना ही मसीह। कहा, वो एक यीशु तो हो सकता था लेकिन वो एक मसीह नहीं था, यह इसी तरह से ही था। मैंने कहा, महोदय, क्या आप भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करेंगे? उसने कहा, हाँ, निश्चित रूप से मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता हूँ। वह एक रब्बी था, यहूदी रब्बी, बेटन हार्बर मिशिगन में रहता था। मैंने कहा, जॉन राइन चंगा हो गया था, जो 20 वर्ष तक अंधा था, रास्ते पर बैठा हुआ था। उसने कहा, मैं जॉन को कई दया दान देता। उसने कहा, कौन सी सामर्थ, कौन से अधिकार ने उसे
दृष्टि को दिया। मैंने कहा, मैंने उसे कभी भी उसकी दृष्टि नहीं दी। उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास के माध्यम से अपनी दृष्टि को प्राप्त किया। उसने कहा, परमेश्वर का कौन सा पुत्र, परमेश्वर के पास भला कैसे एक पुत्र हो सकता है? और मैंने कहा, उसका एक पुत्र था। मैंने कहा, क्या आप यशाया 9:6 में विश्वास करते हो? कहा, निश्चय ही। मैंने कहा, भविष्यवक्ता किसके विषय में बात कर रहा था, मसीहा? कहा, हाँ। मैंने कहा, मसीह का परमेश्वर के साथ क्या संबंध होगा? उसने कहा, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर होगा। मैंने कहा, यीशु भी वही था, वह देहधारी हुआ परमेश्वर था और हमारे बीच में वास किया। परमेश्वर ने खुद को एक शरीर में से होते हुए व्यक्त किया। वो देहधारी हुआ परमेश्वर था, परमेश्वर की आत्मा ने उसमें संपूर्णता में वास किया। हमारे पास यह नाप में है, हम उसके जीवन को देखते हैं। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो क्या है? हम बस उन छोटे बंद पड़े हुए प्रवाह को नहीं खोल सकते हैं ताकि हम आत्मा को उसमें से होकर बहने दें। अब परमेश्वर का आत्मा, यदि वो आज रात कलीसिया में होता तो परमेश्वर के आत्मा की गवाही को देगा। क्या ये सही है? क्या आज सभा में कोई प्रार्थना कार्ड दिए गए हैं? क्या उसने प्रार्थना कार्ड दिए थे? नहीं। क्या प्रार्थना कार्ड है? नहीं, कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास उसका अभिषेक है। जो संदेश मैंने आपको प्रचार किया है, यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर को उसके खुद के वचन को प्रमाणित करने दो। मैंने ऐसा करने का लक्ष्य नहीं रखा था, लेकिन मेरे कुछ और कहने से पहले मैं महसूस करता हूँ कि इसके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर कितने बीमार लोग हैं, अपना हाथ उठाएं कि आप बीमार हो और परमेश्वर से आवश्यकता है। अपना हाथ ऊपर उठाएं, बस अपना हाथ उठाएं, कहें, मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास करते हैं? यदि परमेश्वर यहां आकर और उन्हीं कामों को करे जो उसने किए थे, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ठीक अभी महायाजक है? इब्रानियों की किताब, क्या यह सही है भाइयों? क्या यह सही है? वो महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावना से छुआ जा सकता है। कितने लोग जानते हैं यह बाइबल है? वो कब है? ठीक अभी। तो ठीक है, यदि वो है तो बाइबल ने कहा, इब्रानियों 13:8, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। क्या यह सही है? तो ठीक है, यदि वह वही महायाजक है तो कल आज और युगानुयुग एक सा है। यदि आप उसे छूते हैं तो वो आज कैसी प्रतिक्रिया को करेगा? यदि वो एक सा है तो वो उसी तरह की प्रतिक्रिया को करेगा। क्या यह सही है? फिर एक बार एक स्त्री ने भीड़ में से होकर आगे बढ़ते हुए और उसके वस्त्र को छुआ और अपने आप में भीतर महसूस किया कि वो चंगी हो गई थी और बाहर निकलकर और भीड़ में बैठ गई। बहुत से लोग उसे छू रहे थे कहते हुए, ओ हेलो रवि, हमें आपको यहाँ पाकर खुशी है और इत्यादि। और फिर यह स्त्री, यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? पतरस ने उसे झिड़का, लेकिन उसने कहा, मैं समझता हूँ कि सद्गुण शक्ति मुझ में से चली गई है। उसने चारों ओर लोगों को देखने लगा जब तक कि उसने उस छोटी महिला को नहीं देख लिया। उसे बताया कि उसे लोहू की समस्या थी और उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है। क्या यह सही है? तो ठीक है, अब यदि वो वही महायाजक है तो क्या वो आज रात उसी काम को नहीं करेगा? यदि उसे छुआ जाता है, अब वो इसे कैसे करेगा? वो अब दाखलता है, हम डालियां हैं। क्या यह सही है? तो ठीक है, वो डालियों के जरिए से कार्य करता है। यदि यह दाखलता से बाहर निकली हुई एक सही डाली है तो यह उसी तरह से कार्य करेगा जो जीवन दाखलता में था। क्या यह सही है? अब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और उस निश्चित निर्णय पर जो मैंने संसार भर में परमेश्वर के लिए लिया है और विचारों को परखने की यह सेवकाई अब छोड़कर जा रही है और मैं वचन को बोलने की एक ऊंची सेवकाई में कदम रख रहा हूँ। और आपने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया है, उसने इसे सीधे वापस लोगों के पल्ले में डाल दिया है। उन्हें सही दृष्टिकोण के साथ आने दें और देखें कि क्या होता है, लेकिन उन्हें सही दृष्टिकोण को रखना होगा। देखो, देखा, देखो, कोई भी चंगा नहीं कर सकता, वो चंगा करने वाला है, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं कह सकता जब तक कि वो मुझसे बात नहीं करता, समझे? लेकिन अब आप अपने विश्वास के साथ बात कर सकते हैं और यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको आपकी चंगाई मिलेगी। आप बस आप अपने हृदय में प्रार्थना करें, प्रभु
वो मुझसे बात करने दो, देखो क्या होता है। और यदि वो इसे करेगा तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई जिसने अपने हाथ उठाए यहाँ आकर और वेदी के चारों ओर खड़े हो जाए और आओ हम ठीक परमेश्वर के साथ अपनी शांति को पालें। आप प्रार्थना करें, विश्वास रखें। अब स्वर्गीय पिता, इस प्रकार के प्रचार को करने के बाद यह एक पूर्ण रूप से एक बदलाव है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप मुझे स्वयं को विश्राम देने के लिए शक्ति देंगे और वहां के लोगों को विश्राम देने के लिए कि हम मिलकर आपके आत्मा को हमारे द्वारा कार्य करने दें। ये कितना अच्छा होगा यदि आप मेरे जरिए से कार्य करें न कि उनके जरिए से। वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप अपने ही नगर में आए जहां आपका पालन पोषण हुआ और वे आप पर अप्रसन्न हुए थे और आपने कहा बहुत से सामर्थ्य के कार्य जो आप नहीं कर सके उनके अविश्वास के कारण। आप आज रात वही हैं क्योंकि आप कल आज और युगानुयुग एक से हैं। होने पाए सारे अविश्वास को ले लिया जाए। होने पाए वे यदि अविश्वास मुझ पर आता है और कहता है यह आज रात काम नहीं करेगा, मैं उसे पसंद नहीं करता, उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है और मुझे उस पर विश्वास है। अब अविश्वास इस भवन को छोड़कर जाने दो और मसीह को अपने आप को जीवित साबित करने दो जैसा उसने कहा कि वो करेगा। फिर पिता यदि सुबह तक अंत आ जाता है तब प्रभु वे बिना किसी बहाने के जाएंगे कि ये लोग जिन्होंने उनके हाथ को उठाया और आपको चाहते हैं जान सके कि यह परमेश्वर का सच्चा आत्मा है जो आज रात भवन में उनसे बात कर रहा है। हम यीशु मसीह के नाम में इन चीजों को आपको सौंपते हैं, आमीन। अब मैं यहाँ पर प्रत्येक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। अब आप प्रार्थना करें। यहाँ पर एक महिला ठीक पीछे बैठी हुई है, दूसरी यहाँ पर ठीक यहाँ जिसे किडनी की समस्या है अपने चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही है। आप चंगी होना चाहती हैं महिला? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप इसे स्वीकार करती हैं तो ठीक है, फिर अपना हाथ ऊपर उठाएं, घर जाएं और स्वस्थ रहें। उस महिला से पूछें कि क्या वो अपने किडनी की समस्या के साथ प्रार्थना नहीं कर रही थी। यह सही है महिला, यह सही है। अपना हाथ ऊपर उठाएं ताकि लोग देख सकें। अब उसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। मैं महिला को नहीं जानता, मैंने उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। क्या यह सही है महिला? यदि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो अपना हाथ हिलाएं। अब आपके पास विश्वास करने के लिए भरोसा है। क्या यह उसे एक सा बनाता है? उस स्त्री ने क्या किया? उसने महायाजक को छुआ। महायाजक ने मेरे द्वारा बात की और एक दर्शन को दिखाया, बिल्कुल ठीक वही जो उसने कहा कि वो करेगा। यीशु ने कहा मैं कुछ नहीं करता, केवल संत यूहन्ना 5:19, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ वह पिता को करते देखता है वैसा ही पुत्र भी करता है। क्या ये सही है? कितने लोग जानते हैं कि यही वचन है? संत यूहन्ना 5:19, प्रार्थना करें, केवल प्रार्थना करें, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। यहाँ मैंने एक वृद्ध महिला को सीधे यहाँ पीछे बैठे हुए देखता हूँ, ठीक मेरी उंगली की सिधाई पर। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि प्रकाश ठीक यहाँ महिला के ऊपर मंडरा रहा है? वहाँ देखो, केवल अपने सिर को घुमाकर और ठीक यहाँ पर देखो, महिला ने सिर को ऊपर उठाया है। वह बल्कि बुजुर्ग है, उसके सफेद बाल हैं, उसकी आंख में परेशानी है, उसके पास एक उसकी आंख में मोतियाबिंद है और वे इसे निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं और उसका पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। यह यहोवा यो कहता है। अब माँ, यह सही है क्या? ऐसा नहीं है? यदि यह सही है तो अपना हाथ हिलाएं। यदि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो अपना हाथ हिलाएं। वहाँ आप हैं। अब क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? अब विश्वास करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें। अब उसने किसे छुआ? उसने महायाजक को छुआ। यदि आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। यदि तू विश्वास कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं देख रहा हूँ, केवल प्रार्थना करते रहें। आप जहाँ कहीं भी हों, बालकनी में हों या जहाँ भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना करते रहें, इतना कहें, प्रभु मुझे याद करें, मैं बीमार हूँ।
आप अपने आप को बेचैन करने की कोशिश न करें, सिर्फ कहें प्रभु मुझे विश्वास है कि वो मनुष्य मुझे सच्चाई को बता रहा है, मुझे विश्वास है। अब देखिए दूत ने मुझे क्या बताया, यदि तुम लोगों को खुद पर विश्वास करने को लगा सकते हो, ना ही मुझे एक मनुष्य के रूप में विश्वास करो, उस संदेश पर विश्वास करो जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। तुम विश्वास करो और जब तुम प्रार्थना करते हो तो ईमानदार बने रहो, तुम्हारी प्रार्थना के सामने कुछ भी खड़ा नहीं रहेगा। यही है जो उस मनुष्य ने मुझसे कहा। मैं एक महिला को रोते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए देखता हूँ। यदि वो मुझे परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में विश्वास करती है तो वो यहीं मेरे सामने बैठी हुई है, परमेश्वर उसे चंगा करेगा। मैं आपको नहीं जानता, आपको कभी भी नहीं देखा, लेकिन आप यहाँ से नहीं हैं, आप ग्रांड्स पास से हैं। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी तो आप चंगी हो जाएंगी। परमेश्वर वह चूकने वाली है, उसे इसे चूकने मत देना प्रभु। श्रीमती क्रूगर, मैं आपको उस पर विश्वास करने की चुनौती देता हूँ, विश्वास रखें। मैं महिला को नहीं जानता, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परमेश्वर जानता है। मेरे लिए उसे जानने का संसार में कोई जरिया ही नहीं है, वो बस वहाँ बैठी हुई एक महिला है। यदि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं महिला, तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। तो ठीक है, अच्छा, जो कुछ उसने आपको बताया क्या वह सच है? इस तरह से अपने हाथ को आगे पीछे हिलाएं। तो ठीक है, क्या आप विश्वास करती हैं? मैं एक महिला को यहाँ बहुत पीछे बैठा हुआ देखता हूँ, उसने नीले और सफेद रंग की बिंदु बिंदु पोशाक पहन रखी है, उसके बाईं तरफ गांठ है। विश्वास रखें, संदेह न करें, इसे चूकना मत। परमेश्वर श्रीमती ग्रिफिथ, परमेश्वर में विश्वास रखें, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर चंगा करेगा और ठीक करेगा। अब क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आप इसके विषय में क्या सोचती हैं? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर चंगा कर सकता है बहन? जरूर वो करता है। आप विश्वास करती हैं कि यह चला जाएगा आपका? तो ठीक है, आप जो मांगते हैं वो आपके पास हो सकता है। अब क्या आप उस पर विश्वास करती हैं? तब वो आत्मा जो मुझे वहाँ पर ले गई, वही आत्मा है जो यहाँ पर मुड़ती है, जो कि वैज्ञानिक दुनिया जानती है, पहली बार किसी अलौकिक अस्तित्व की तस्वीर को कभी खींचा गया था। यह अग्नि का एक बड़ा खंभा है जिसने इज़राइल के बच्चों का नेतृत्व किया। यहाँ यह आज रात हमारा अभिषेक कर रहा है, उन्हीं कामों को कर रहा है जो इसने किए जब वो धरती पर यीशु मसीह में था। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे और नहीं देखेगा, यीशु ने कहा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं एक व्यक्तिगत सर्वनाम है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा, संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। लोग, ओह परमेश्वर, क्या आप नहीं समझ सकते हैं? इस छोटे से झुके हुए कंधों की ओर, गंजे सिर वाले मनुष्य की ओर ध्यान न दें, जो यहाँ खड़े होकर आपको इन बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। मेरी ओर मत देखो, अशिक्षित अशिष्ट उस पर ध्यान न दें, आत्मा के स्वभाव को देखें जो यहाँ से होकर कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। यह मैं नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानता, आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह तो वो है, मसीह अपने वचन को पूरा कर रहा है जो उसने कहा था कि वो करेगा। याद रखें, अंत निकट आ रहा है, जब तक संभव हो सके शरण मांगो, जब तक दया के द्वार अन्य जातियों के लिए खुले हुए हैं। शरण मांगो, यही यहोवा यो कहता है। मैं आप में से हर एक को आमंत्रित करता हूँ जिसके पास वह शांति नहीं है, जो आपको वहाँ पर ले जाए, ताकि यहाँ आकर यहाँ इस वेदी के पास खड़े रहें। यहाँ पर हर एक पापी, हर एक पीछे हटा हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप आकर और यहीं वेदी के पास खड़े हो जाएं। यदि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है जो आपको जानता है, निश्चित रूप से वो जानता है
कि क्या करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। उठकर और यहाँ पर आएं, देखें कि आप कितने सच्चे हैं। क्या आप वहाँ पीछे से यहाँ पर चलकर आएंगे? यदि इसका महत्व स्वर्ग जाने या अपने उद्धार को खोने के बीच का अंतर है। आप कहते हैं मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, मेरा फिर से जन्म हुआ है। क्या आपके पास वो प्रेम है? क्या आपको यकीन है? इस चीज पर कोई मौका न लें। आइए हम अब गाते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, और मेरे उद्धार को खरीद लिया कलवरी पर। अब हर एक पापी को आने दो। क्या आप यहाँ पर खड़े होंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कलीसिया से संबंध है, आपकी संस्था, आपका रंग, आप जो भी हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। युवा पुरुष होने पाए, प्रभु आपको एक प्रचारक बनाए, तो ठीक है, आए। क्या आप अभी आएंगे? इससे पहले कि हम गीत को गाएं, आप जिन्होंने हाथ उठाया उस शांति को पाना चाहते हैं, आए। शांति जो सारी समझ से परे है, क्या आप नहीं आओगे? हाँ, आपको वहाँ ले जाने के लिए उसके प्रेम की आवश्यकता है। अब खड़े हो जाएं और यहाँ नीचे आ जाएं। क्या आप आएंगे? क्या आप नहीं आओगे? लगभग 30 हाथ ऊपर की ओर गए थे। अब बस कुछ क्षण, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो यहाँ पर खड़े हैं आप तीन लोग, मैंने सोचा कि महिलाएं रास्ते को देंगी। सुनना, यहाँ ये कलीसिया के लिए है, यहाँ प्रभु के नाम में है। मैं भविष्यवाणी को कर रहा हूँ, यही कारण है कि हमारे पास बेदारी नहीं हो सकती है। यही कारण है कि परमेश्वर का आत्मा श्रोतागणों में कार्य नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मेरी सेवकाई प्रतीत होता है, लोगों के लिए अलोकप्रिय बन जाता है। पवित्र आत्मा आता है और हर एक चीज की पुष्टि करता है जो उसने कहा कि वो करेगा, और लोग उनके हाथ उठाकर और उनके ही स्थान पर बने रहते हैं। यह ईमानदार होना नहीं है। फिर आप चंगाई सभा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कलीसिया अपनी सिद्धता की ओर बढ़ेगी जब 30 हाथ ऊपर की ओर उठते हैं और तीन लोग ही आगे आते हैं? इसे सुनिए, यही प्रभु के नाम में है। अमेरिका ने उसके दिन को देखा है, ये अब और फिर से नहीं उठेगा, यह अपने पतन पर है। मैं प्रभु के नाम में बोलता हूँ।